पूरे एग्जिस्टेंस का चार्ट देखते हैं तो एग्जिस्टेंस के चार्ट का फर्स्ट बाइफिकेशन जो दिखता है कि दो टाइप की वास्तविकता हमको दिखती है, वी सी टू टाइप्स ऑफ रियलिटीज। एक है जिसको हम कह रहे हैं इकाइयां या यूनिट, और एक कह रहे हैं जिसको कह रहे हैं व्यापक या स्पेस। व्यापक और स्पेस का एक पूरा एक डिस्क्रिप्शन रहता है। व्यापक को समझना हम उसकी पहली क्वालिटी से शुरू कर सकते हैं। क्वालिटीज मतलब उसका उसके जो प्रभाव होंगे, उसके मैनिफेस्टेशंस होंगे, उससे हम शुरू कर सकते हैं। और इकाइयों में भी दो टाइप के एंटिटीज दिखती हैं, एक है जिसको कहते हैं कॉन्शियस एंटिटीज, जिसको जीवन कहा, और एक कहते हैं जिसको हम कहते हैं मटीरियल मैटर, जड़ की एंटिटीज। और फिर जब इकाइयों में देखते हैं तो हम नेचर को देखते हैं। नेचर में हमको चार अवस्थाएं दिखती हैं, पहली दो और प्योर मैटर, और जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था इज जीवन प्लस मैटर शरीर के रूप में। और व्यापक का फिर एक पूरा एक डिस्क्रिप्शन आता है कि तो व्यापक को अगर हम कुछ ही लाइनों में करें तो आप सबने पहले चर्चा किया ही होगा कि एक वास्तविकता है और व्यापक से कुछ जा नहीं रहा, व्यापक से कुछ आ नहीं रहा। तो गर्मी, डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर, हीट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल एनर्जीज, ये सारी इकाइयों की परस्परता के बीच में घट रही क्रियाएं हैं। तो एग्जिस्टेंस में तीन टाइप की क्रियाएं बाबूजी ने यहाँ पे कहा, एक फिजिकल एंटिटी, एक भौतिक क्रियाएं हैं, एक फिजियोकेमिकल है जो केमिकल क्रियाएं हैं, और एक है जीवन क्रिया। ये तीनों क्रियाएं इकाइयों में घट रही हैं, व्यापक में कोई इकाई कोई क्रिया नहीं घट रही। व्यापक को कहा कि वो साम्य ऊर्जा है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसमें कोई मूवमेंट भी नहीं है। पार्टिकल के हिलने से पार्टिकल हिलता है, व्यापक हिलती नहीं है। बट तो पर क्या रिलेशनशिप है व्यापक और इकाइयों का, तो इतना देखते हैं कि एक बात जो बहुत कोर है दर्शन के तात्विक लेवल पे, द एसेंस इन एग्जिस्टेंशियल लेवल, इज द एस्पेक्ट ऑफ सबमर्जेंस, संपृक्तता। संपृक्तता मतलब कि किसी चीज से सराउंड होना, उसका इम्पैक्ट एक है, किसी चीज में डूबे रहना उसका इम्पैक्ट एक है, कोई चीज किसी के आर पार है। तो व्यापक है, और जो विजुअलाइजेशन दर्शन मुझे लगता है कि ठीक होता है समझते टाइम, कि व्यापक है और व्यापक में इकाइयां हैं। व्यापक साम्य ऊर्जा है, और जो इकाइयों में एनर्जी है टू इवन एंगेज विद ईच अदर, परमाणु अंश में या परमाणु में, वो व्यापक में भीगे रहने से उपलब्ध है। और पर ये भी एक बात आती है कि व्यापक को पूर्ण भी कहा, व्यापक को कहा कि वो पूर्ण है, वो कंप्लीट है, और पूर्ण में भीगे रहने से, डूबे रहने से, घिरे रहने से हर इकाई में भी चेष्टा पूर्ण की तरफ होती है। तो इसलिए वो ये भी दिखता है कि एनर्जी है, एंटिटीज आर एनर्जाइज्ड, ऊर्जित हैं, और इसकी एक दिशा भी है। दिशा क्या है, वो हार्मनी की है, जिसको हम मूल चेष्टा के रूप में हम देखते हैं। दैट इज अ फंडामेंटल एक चेष्टा, एक डायरेक्शन हर एंटिटी की दिखती है कि वो पूर्णता, कंप्लीशन की तरफ जाना चाहती है। और कंप्लीशन या पूर्णता को कैसे समझा, उसको दो एट्रीब्यूट्स में समझा, स्वयं में व्यवस्था, हार्मनी विद इन सेल्फ एंड हार्मनी आउटसाइड। फिर चारों अवस्थाओं में हम देख सकते हैं कि जड़ में, प्राण में, जीव में, ज्ञान में, हाउ डज दिस मैनिफेस्ट। जी, तो दिस इज एट द कोर द रिलेशनशिप ऑफ व्यापक एंड इकाई एंड व्हाट व्यापक इज। तो हम इतना रख देता हूँ, उस पर कुछ कॉरेस्पॉन्डिंग क्वेश्चन होंगे तो देन वी कैन डिस्कस इट फर्दर, एंड इफ संजीव वी वांट्स टू ऐड समथिंग। धन्यवाद, बढ़िया हो गया। अंकित भाई, बुक आप ही शेयर करेंगे, मुझे शायद जल्दी निकलना हो बीच में, तो अगर आपके सामने है तो एक या कोई और शेयर कर सकते हैं। मेरे पास भी शायद लेटेस्ट पीडीएफ नहीं है, अगर कोई और शेयर कर सकते हैं तो भी हेल्पफुल। किसी और के पास कर सकता हूं, मैं शेयर कर सकता हूं अपनी तरफ से, बट कैसे करेंगे शेयर माय स्क्रीन, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेंट। देव भाई, देव भाई, होस्ट डिसेबल्ड पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयरिंग। एक सेकंड, अभी आ रहा है, लेट मी ट्राई। या सो स्क्रीन इज डेस्कटॉप शेयर, लेट मी नो इफ यू कैन see my screen। हाँ जी, आपको थोड़ा फुल पेज करना पड़ेगा। Yes, is it good? बढ़िया दिख रहा है। पेज नंबर थोड़ा सा बताएंगे? 72।
इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं, पीछे वो डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है। एक सेकंड, इसको फुल स्क्रीन कर सकते हैं क्या? सेट टॉप बार पे डबल क्लिक करने से शायद मुझे। ओके हाँ अभी अभी हो जाएगा। पेज नंबर 72 73 यहाँ से जी, बोलें जी। यहाँ से है 72 फर्स्ट पैरल मनोविज्ञान। कोई पढ़ना चाहेंगे जी? ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ जी। मनोविज्ञान में संस्कार पक्ष का समावेश होना चाहिए, मानव संचेतना का समावेश पहचान होना चाहिए। मानव संचेतना में संवेदनशील संज्ञानशीलता दोनों वैभवित है। दर्शन शास्त्र को प्रमाणित के साथ पढ़ाना चाहिए। जब प्रमाणिकता के साथ पढ़ाएंगे तो मानवता विधि ही आएगी, भौतिक और आध्यात्मिक विधि नहीं। अतः मानव समझदार हो सकता है। समझदारी के लिए अस्तित्व सहज समीचीन है। प्रमाणों के बारे में जो अनुभव किया है वह यह है कि मैं जो समझा हूँ, सीखा हूँ, किया हूँ, जीता हूँ, उसको समझाने, सिखाने और कराने में प्रमाणित होता हूँ। इन तीनों विद्या में हमें प्रमाणित होना जरूरी रहा, चौथा और कोई प्रकार का नहीं है। समझने में परिपूर्ण होना जरूरी है, सीखने करने में थोड़ा कमी चल सकती है। अभी तक हम सीखने करने कराने के काम में बहुत अच्छे से कर लिए, परंतु समझने के क्रम में शून्य है। सीखने सिखाने करने कराने को हम सर्वोपरि मूल्य मानते हैं। इससे ना कोई समाधान मिला, ना मानव को कोई राहत मिली, कहीं ना कहीं हम फंसते ही रहे। अतः अब मानव को अपने में विश्वास, संपूर्ण अस्तित्व सहज अध्ययन करने की आवश्यकता आ गई है। मानव अपने अध्ययन अभ्यास के बाद ही समझदारी में प्रमाणित होना बनता है। आदर्शवादी विधि और भौतिकवादी विधि में मानव का अध्ययन कहीं ना कहीं पीछे छूट गया है। आदर्शवादी विधि में देवी देवता ईश्वर को सर्वोपरि माना और मानव पीछे रह गया। देवी देवता ईश्वर को समझने के चक्कर में मानव के अध्ययन को तिलांजलि दे दिया। भौतिकवाद विधि में भी मानव को छोड़ दिया। प्रयोग विधि में यंत्र को पकड़ लिया, अर्थात यंत्र प्रमाण हो गया। आदर्शवाद में ग्रंथ किताब वांडमय प्रमाण हो गया और भौतिकवाद में यंत्र प्रमाण हो गया। इस तरह से आदमी का अवमूल्यन हो गया और भ्रम की चपेट में फंसकर भ्रम का ही पूरक हो गया। इस तरह मानव भ्रम में फंसकर कुंठित हुआ, पीड़ित हुआ, प्रताड़ित हुआ। अब मानव का उद्धार कैसे हो? उद्धार का आश्वासन पहले भी सभी गद्दी देते रहे, परंतु उद्धार का प्रमाण ना हो पाया। ऐसा कितने दिन चलेगा? विकल्प रूप में यहाँ मानव के उद्धार का मूल सूत्र है समझदारी। सबसे बड़ी गद्दी है शिक्षण संस्था, उसमें विज्ञान के साथ चैतन्य का अध्ययन होना चाहिए। चैतन्य के अध्ययन के बिना सह अस्तित्व का अध्ययन कैसे होगा? ये दोनों भाग शिक्षा संस्थानों में, शिक्षा वाण्डमय में, शिक्षा प्रक्रिया में अछूता है। दूसरा, मनोविज्ञान में मानव के अध्ययन के लिए मानव संचेतना समझ में आता है, प्रमाणित होता हो जाता है, आवश्यकता भी समझ में आती है। इसलिए संस्कार पक्ष का अध्ययन मनोविज्ञान में होना चाहिए। तीसरा, दर्शन शास्त्र के साथ प्रमाणित होना चाहिए। अभी तक हम मानते हैं कि मानव पढ़ा और पढ़कर सुनाया तो विद्वान हो गया, जबकि ये विद्वान नहीं रहता। विद्वान समझदारी का स्वरूप है और विद्या अपने आप में अस्तित्व सहज है। सह अस्तित्व को समझे बिना, जीवन को समझे बिना, मानवीय पूर्ण आचरण के बिना विद्वान होता नहीं। ये समझ में आता है
विचार शैली भी बनता है, योजना भी बनता है, कार्य योजना भी बनता है, फलस्वरूप प्रमाणित भी होता है। अगर हम समझे नहीं तो विचार शैली कहाँ से पाएंगे? बिना समझे जो विचार शैली बनी है उसमें से एक ही एक है सुविधा संग्रह के लिए और दूसरी है विचार शैली, है आदर्शवाद, त्याग, अपरिग्रह, वरिक्ति, भक्ति। इसमें भी करोड़ों लोग अपने आप को अपने को लगाए और अपनी धैर्य, साहस, निष्ठा का परिचय दिए। इन दोनों से अखंड समाज का कोई रूपरेखा देखने को नहीं मिलता। मानव हमेशा अथक परिश्रम करते आया, किंतु मानव लक्ष्य व दिशा विहीन थी था। मैंने जो प्रयास किया है वह केवल हमारे प्रश्नों के उत्तर के लिए किया था। हमें स्वर्ग मिलेगा, पैसा मिलेगा, संग्रह मिलेगा, ऐसा कोई लक्ष्य मेरा था नहीं था। एक ही बात थी, हमारे पास शंका है। मिलन, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, रास्ते में कोई पत्थर आदमी मिल गया तो योग कहेंगे। संयोग का अर्थ है संपूर्णता का अर्थ में मिलन। पूर्ण का अर्थ है मानव का व्यवस्था में जीना, परिपूर्ण का अर्थ है मानव का प्रमाणित हो जाना। व्यवस्था में जीना, प्रमाणित होना हो जाना मानव की चाहत है, किंतु वह नहीं मिलने पर जो मजबूरी में उसको चलकर परंपरा अनुसार ढल जाता है। योग संयोग सदा सदा रहता है। पूर्णता के लिए कई प्रयास हुए, सफलता एक अलग बात है। मानव ने पूर्णता के लिए बहुत कुर्बानी दी, कुर्बानियों का परिणाम तो होता ही है। जब किसी चीज को तोड़ते हैं तो सफलता तो आखिरी हथौड़े में दिखती है, किंतु उससे पहले लगे सभी हथौड़े नहीं पड़ते तो उस सफलता से नहीं मिलती। सभी चोटों का फल सफलता में समाई है। सफलता मुझे मिली इससे पहले जो प्रयास हुआ उनका भी योगदान है। इस प्रकार संपूर्ण मानव के योगदान के फलस्वरूप या घटना घटित हुई है, ऐसा मैं स्वीकार रहा हूँ। आगे पढ़ना है, एक पैराग्राफ और पढ़ लीजिए। अच्छा ठीक है। इससे बड़ा लाभ हुआ है, अर्हता मुझे नहीं हुआ। मेरे पास अहंता के साथ प्रस्तुत होने वाले लोग भी बहुत कम आए हैं। कितने भी अहंता को लेकर आने वाले लोग दो तीन सीढ़ी के बाद अहंता का शमन होता हुआ देख गया। मेरे साथ तो सारे मिलन सज्जनता के साथ, सादगी के साथ, स्वाभाविक रूप से हुआ। लेकिन यह जरूरी नहीं कि मेरे से मिलने वाले हर सज्जन ने हमारी बात को स्वीकार कर लिया। बहुत से लोग नहीं स्वीकारते, इनका भी यह हम सम्मान करते हैं। इनकी गलती नहीं है, उनके ऊपर परंपरा को लाद दिया गया है। इसलिए कोई स्वीकारे या नहीं, मैं खुश रहता हूँ। कालक्रम संयोग हर एक के लिए सद्बुद्धि का अंकुर रखा ही है। वह कब पल्लवित होगा, पुष्पित होगा, हम नहीं कह सकते। हर आदमी शुभ चाहता है। शुभ चाहने के मूल में संभावनाओं और समीचीन किया जाए, यह मैं चाहता हूँ। संयोग जब होता है, आदमी समाधान के अर्थ में, व्यवस्था के अर्थ में, अखंड समाज के अर्थ में मिलते हैं। एक ही विचार, एक ही अपेक्षा के लोगों के साथ मिलने से संयोग नहीं बनता। जैसे दो चोर, दो डाकू, दो अपराधी मिलना समाधान व्यवस्था के अर्थ में नहीं है, इसलिए यह संयोग नहीं है। अभी रुक जाओ। हाँ जी, अभी रुक सकते हैं। थैंक यू। साइकोलॉजी के अंदर ये चीज आ जाए, मतलब ठीक
भैया इसके अंदर अहंता और अर्हता का क्या मीनिंग है जो फर्स्ट लाइन में अभी आया था लास्ट पैराग्राफ में? अहंता भी आई थिंक मीन अहंकार से कनेक्टेड है। अर्हता में शाब्दिक अर्थ याद करो, आपने से किसी को अर्हता का हिंदी का अर्थ पता है? आई थिंक इतना मैंने मैंने इसको देखा था तो परिभाषा जो बाबा जी की है उसमें अर्हता का है, जागृति पूर्वक दृष्टा पद, जागृति सहज प्रमाण संपन्नता, और अहंता को तो नॉर्मल डिक्शनरी में देखा था तो उसमें था घमंड और गर्व, तो आई थिंक ऑपोजिट वर्ड्स हैं। ये इसमें ना पहला वाला थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक लग रहा है, ये पहला वाला शब्द जो है ना वो अर्हता की जगह अहंता होना चाहिए ऐसा लग रहा था पिछली बार जब श्रवण भैया। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा था पढ़ के, उसका जो अर्थ है वो बैठ नहीं रहा उसमें, लग रहा है ऐसा कि वो तो अहंता लिख देंगे अर्हता की जगह, फिर अहंता को अहंकार या घमंड वैसे लेके चलेंगे, फिर सारा क्लियर हो जाएगा। ये अहंता ही है, ये पुराने एडिशन में अहंता है। और भैया जब जब बाबा जी बोल रहे हैं कि इसको मनोविज्ञान के अंदर जो है वो इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, उसका क्या मतलब उसका क्या वो है? हाँ तो भैया ये आया है कि ये आई थिंक एजुकेशन की बात चल रही होगी इसमें, और जिसमें एक बड़ा मुद्दा ये आया कि हाउ डू यू लुक एट द एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट्स आल्सो, एग्जिस्टिंग हम जो फील्ड्स ऑफ स्टडी देखते हैं, साइकोलॉजी देखें, इसको देखें। तो इसमें जो पिछले पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है ना उसमें यह है कि अस्तित्व को समझने वाला जीवन ही है, इसलिए चैतन्य वस्तु का भी अध्ययन शिक्षा में समावेश होना जरूरी है। तो भैया एक हम देखते हैं कि अगर सोसाइटी मैनिफेस्टेशन है एजुकेशन सिस्टम्स का, तो एजुकेशन सिस्टम्स में अगर कम्प्लीटनेस नहीं होगी तो दृष्टि बनेगी वही सोसाइटी में भी दृष्टि बनेगी। तो बाबा जी ऑल्सो प्रपोज कि वॉट आर द मिसिंग कॉम्पोनेंट्स, वो कह रहे हैं कि जैसे अभी भौतिकवादी पढ़ाई है विच इज़ द स्टडी ऑफ फिजिकल चीज़ें, इसमें जीवन और व्यापक दोनों मिसिंग है। तो जैसे अगर हम तो मनोविज्ञान में संस्कृत तीन चीज़ों का भी यहाँ पे दो पेजेस में किया, ये विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष, मनोविज्ञान के साथ संस्कार पक्ष, मानव का अध्ययन, और दर्शन शास्त्र के साथ प्रमाणिकता। तो पहले वाले को देखेंगे विज्ञान के साथ चैतन्य पक्ष, तो साइंस में एम्पेरिकल एविडेंस पे काफी कुछ बेस्ड है। जैसे आज जो क्वेश्चन आज राजीव भैया ने भी पूछा, तो उन्होंने जो पैरामीटर्स डाले उसी पर चर्चा कर रहे थे कि ही सेड कि पहचानने की तो ये तीन चार चीजें ही रहती हैं। क्या रहती है? डेंसिटी, मास, वेट। दैट मीन्स अगर कुछ चीज़ इसमें आता है तो वो कॉम्प्रिहेंसिबल है और वो एग्जिस्ट करता है, कुछ चीज़ नहीं आता तो हम एग्जिस्टेंस उसका है कि नहीं कह नहीं सकते। ट्रेडिशन में हमने सुना है कि कुछ और भी होता है, शरीर से ज़्यादा कुछ होता है, तो उसका हमारे पास एक इनपुट पड़ा रहता है। पर यहाँ पे कह रहे हैं कि चैतन्य इकाई जो जीवन है, इनफैक्ट मानव मूल रूप में तो जीवन ही है, उसी का ही अगर साइंस में उसका उसकी अंडरस्टैंडिंग उसका कॉम्प्रिहेंशन नहीं है तो एक बड़ा भाग लाइफ के अंडरस्टैंडिंग का उसमें से एक मिसिंग तो हो जाता है। तो विज्ञान के साथ चैतन्य का अध्ययन होना चाहिए विज्ञान में, साइंस में। और विज्ञान एक और चीज़ है कि विज्ञान दर्शन में कैसे को भी कह रहे हैं वर्ल्ड के साथ एंगेज करना ताकि जो ह्यूमन का गोल है, मानव लक्ष्य, वो पूरा हो जाए, उसको विज्ञान कह रहे हैं, साइंसेस कह रहे हैं। तो साइंस का भी यही रोल है कि टेक्नोलॉजी है ये सब है, मेन थिंग इज कि हमने कुछ ह्यूमन गोल को डिसाइड किया हुआ है, उस ह्यूमन गोल को पूरा करने के लिए हम साइंस टेक्नोलॉजी सबको इस्तेमाल करते हैं। ह्यूमन गोल अगर सिर्फ शरीर मानेंगे तो सुविधा दिखेगा, अगर हम जीवन को भी देख पाते हैं तो हमको दिखेगा कि वो सिर्फ सुविधा नहीं है, वो ऑल्सो भाव रूप पे, फीलिंग्स लेवल पे और ज्ञान लेवल पे भी कुछ आवश्यकता है। तो चैतन्य इकाई के पैराडाइम के बिना वो एक कमी, बहुत बड़ी गैप रह जाता है। दूसरा है मनोविज्ञान के साथ मानव का अध्ययन, जिसमें मानव चेतना संचेतना समझ में आता है, जिसमें संस्कार पक्ष का अध्ययन होना चाहिए। तो अभी हम देखें तो किसी भी मानव में जो उस वक्त वो उसका जो अंडरस्टैंडिंग का स्टेट है, जो परसेप्शन है, जैसे सोचता है, उसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो इसको साइकोलॉजी का फील्ड कहते हैं, जहाँ पे परसेप्शन कैसे बनता है, कॉग्निशन कैसे होता है, ये साइकोलॉजी में है। इसमें अभी वातावरण को एक रोल दिया जाता है कि वातावरण में जैसा होगा वैसा इस व्यक्ति ये व्यक्ति ग्रहण करता है, या ये शरीर के थ्रू ग्रहण करता है संवेदनाओं से। तो इसलिए बहुत सारे हमारे जो साइकोलॉजी की थियोरीज हैं, दे आर टू डू विद कंडीशनिंग,
एंड डू विद द सेंसेस, ये दोनों बड़े इनपुट हैं जिसके रिपीटेड प्रोसेस से परसेप्शन ऑफ अ माइंड कैन बी ड्रॉन या मैपिंग हो सकती है उसकी। पर यहाँ ये कह रहे हैं कि एक और बात है कि संस्कार भी एक चीज़ है, इसलिए अगर दो मानव को, इसलिए जो साइकोलॉजी जो एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी कि अगर दो मानव को, दो जीवन को, दो शरीर रूप में उनको एक ही एनवायरमेंट में रखा जाए, उनको बिल्कुल एक ही जैसा अगर ट्रीट किया जाए बड़े तक, तो क्या वो एक होंगे कि अलग होंगे? तो ये एक बड़ा क्वेश्चन आता है। तो अभी तो लगता है कि एक ही होंगे, पर ये दिखता है कि सेम वातावरण में रहते हुए, और ये तो ट्विंस के साथ भी एक्सपेरिमेंट होता है, और इंटरेस्टिंग भी इसलिए क्योंकि मेरे पहले शेयर में मेरा बड़ा क्वेश्चन था, आई हैव अ ट्विन, तो मुझे क्वेश्चन था कि कोई, मैंने पहले शेयर किया होगा, कोई भी दो लोग अलग कैसे होते हैं? तो ये स्पष्ट होता है कि सिर्फ वातावरण और सिर्फ शरीर की सिमिलैरिटीज, जीन्स, जेनेटिक्स और एनवायरमेंट या सेंसेस का इनपुट, इन तीन से पर्सनालिटी की शेपिंग या माइंड मैपिंग नहीं हो सकती। संस्कार भी एक है जो जीवन अपने समझ को या लैक ऑफ समझ को शरीर यात्राओं के थ्रू कैरी फॉरवर्ड कर रहा है। इसकी स्पष्टता होती है तो मनोविज्ञान, ह्यूमन साइकोलॉजी का फुल कॉम्प्रिहेंशन हमको हो पाता है। और तीसरा है दर्शन के साथ प्रामाणिकता, उसको भी काफी क्लियरली बाबा जी ने 73 में लिख दिया है कि अभी हम समझते हैं कि मानव पढ़ा के मतलब विद्वान हुआ, एक इंटेलेक्चुअल एसिमिलेशन और इंटेलेक्चुअल शेयरिंग, यहाँ कह रहे हैं कि विद्वान वो है जो समझदारी जीने के रूप में भी ले जाता है। इसलिए दर्शन शास्त्र का एक्सप्लोरेशन, फिलोसफी का एक्सप्लोरेशन, एग्जिस्टेंशियलिज्म का एक्सप्लोरेशन होना चाहिए लिविंग डायमेंशन के साथ, प्रमाणिकता के साथ। तो तब वो वेरीफाई हो पाएगा कि जो हमने समझा है, ग्रहण किया है, जो मैं शेयर कर रहा हूँ वो सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर ही है, कि वो एक लिविंग उसका, मेरा वेरिफिकेशन भी उसका हो गया है। तो इसलिए उसको कहा दर्शन शास्त्र के साथ प्रमाणिकता। तो ये तीन बिंदु हैं, और एक बड़ा चार्ट भी है जो आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, इसके बाद हम शायद शेयर कर देंगे, जिसमें इतिहास के साथ, इसके साथ, उसके साथ, बाबू जी ने एक एक शेयर किया है कि व्हाट इज द कॉम्पोनेंट जो उसके साथ जोड़ने से ये वो पढ़ाई में जो मिसिंग एस्पेक्ट है वो पूरा हो सकता है उस फील्ड में। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया भैया। दो छोटे से सवाल थे, एक तो जब ये एजुकेशन के अंदर आएगा तो क्या ये प्राइमरी से स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को, या फिर मतलब ऐसा कोई प्रपोजल है उनका, या फिर वो हायर सेकेंडरी में होगा? क्योंकि जो जो सब्जेक्ट्स या जो जो टॉपिक्स वो छेड़, मतलब जिसको छेड़ रहे हैं, वो सब आई थिंक थोड़े लेटर ऑन उसमें आते हैं एजुकेशन में। और सेकेंडली, हाँ आप बोलिए। अभी अभी दो तीन चीज़ें इसमें, एक तो है कि व्हाट इज बाबा जी प्रपोज एज द एजुकेशन मॉडल, तो वो तो उन्होंने जो व्यवस्था भी प्रपोज की है वो तो एक अलग ही लेवल की व्यवस्था है। उसमें तो इनफैक्ट उस व्यवस्था में तो एक जागृत समाज की बात की है, और उसमें तो एक परिवार मूलक ग्राम स्वराज व्यवस्था की बात की, जिसमें उत्पादन से लेके शिक्षा, उसके कभी डायमेंशन है। पर करंट सिस्टम्स में जब भी जहाँ हम रह रहे हैं, आई थिंक बाबा जी प्रपोजिंग कि इन फील्ड में जैसे हम शिक्षा में आगे बढ़ते हैं, तो वी कैन सी दैट वॉट आर द एस्पेक्ट्स विच अगर ये उसमें हम जोड़ देते हैं तो उस फील्ड का एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ और कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है। और जो एजुकेशन मॉडल बाबा जी सजेस्टेड, कुछ अभी इंटरिम है, पर उन्होंने तीन योजना सजेस्ट की है जो आपने सुना होगा। एक योजना है जीवन विद्या योजना, जिसमें बड़े हम जैसे लोग जो एजुकेशन एक्चुअली पा चुके हैं और जो थोड़े भ्रमित भी हैं, अपने आप को भी समझ रहे हैं, कुछ कुछ समझा कुछ कुछ नहीं समझा है, वो इस बात को समझें। इससे फिर सेकेंड स्टेप होगा जो शिक्षा का मानवीकरण होगा। शिक्षा का मानवीकरण इज अ स्टेप वेयर ह्यूमनाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जो मानव का अध्ययन, जो मानवता की बात रहेगी अधूरी उसमें हो। शिक्षा के मानवीकरण में फर्स्ट स्टेप ये होगा कि जो एग्जिस्टिंग करिकुलम्स हैं उसमें कुछ कुछ इनपुट्स डालें पहला, और कुछ कुछ पैरेलल में कुछ प्रोसेस अभिभावक विद्यालय के हो रहे हैं, तो आई थिंक देन इट विल ऑल्सो टेक टाइम। जितने लोग इसको समझेंगे फिर वो उतनी कॉम्प्रिहेंशन के साथ फिर इस करिकुलम को ठीक से बना पाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री से, साइंसेस से, बायोलॉजी से, जेनेटिक्स, सब कुछ हम इसके संदर्भ में पढ़ा पाएं, लिख पाएं, उसमें थोड़ा समय लगेगा, पर इवेंचुअली इट शुड बी इंटीग्रेटेड। इसलिए अभी चेतना विकास मूल्य शिक्षा या हैप्पीनेस एक अलग सब्जेक्ट है, इवेंचुअली जाके तो सब कुछ होना चाहिए। बट राइट नाउ आई थिंक वेयर एट द स्टेज वेयर कुछ कुछ मेन स्ट्रीम के साथ कुछ इंटरफेसिस कुछ हो रहे हैं अभी, और कुछ कुछ जगह पे जीव विद्या के लेवल पे सिर्फ उसी को आधार मान के भी कुछ करिकुलम डेवलप किया जा रहा है। पर आई थिंक अभी शुरुआती स्टेजेस है, धीरे धीरे होगा। बट देर इज अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड शिक्षा का प्रारूप विच बाबा जी इज रिटन, उसमें उन्होंने काफ़ी और कुछ शेयर किया है, और अभिभावक विद्यालय ने रायपुर ने उनके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स भी हैं, उनके सेशंस भी हैं, वी कैन ऑल्सो समटाइम हैव अ सेशन, उनके ऑनलाइन सेशंस होते भी रहते हैं। उन्होंने काफ़ी बाबा जी के साथ बैठ के शिक्षा को, प्रोसेस को देख के उसको मैपिंग की है उसकी, बच्चों से लेके बड़े की,
तो बच्चों के साथ शिक्षा में क्या होना चाहिए, मिडिल स्कूल में क्या होना चाहिए, सीनियर में क्या होना चाहिए, ही सजेस्टेड दैट। इनफैक्ट उन्होंने कहा था कि ये वैल्यू एजुकेशन तो होगा, चेतना विकास मूल शिक्षा, दर्शन की पढ़ाई ग्रेजुएशन लेवल से उन्होंने कहा कि इट शुड बी देयर, पर इसका एक पार्ट एजुकेशन में तो बचपन से होना ही चाहिए। एंड शिक्षा तो देखिए तो फिर तो गर्भ संस्कार से, गर्भ से शुरू हो जाता है, बिकॉज अगर संस्कार को मानते हैं तो फिर तो माँ बाप की जो मानसिकता है बच्चे आने से पहले, उसके आधार से जीवन भी वो शरीर सेलेक्ट करेगा, मतलब तो इट देन गोज टिल वहां तक वो जाता है। तो इसलिए फिर कैसा परिवार, कैसा वातावरण होगा, उसमें किस प्रकार का जीवन, वो भी अपनी मान्यताओं के हिसाब से आएगा। फिर घर में संस्कार का प्रभाव क्या पड़ता है, धीरे धीरे आगे जाके फिर उसका वातावरण, तो बहुत सारी शेपिंग बच्चे की तो शायद 7-8 साल की, 10-11 साल तक हो जाती है संस्कार लेवल पर, वो आगे उसको भाषा वाषा मिलते रहती है, स्किल्स मिलते रहते हैं। तो जैसी जीवन आता है कॉन्टेक्स्ट में, देन एजुकेशन का प्रोसेस भी और चेंज हो जाता है। जी भैया, तो अभी महेश भाई आई कैन कीप दिस मच, कुछ और स्पेसिफिक को तो बात कर सकते हैं, बट इट्स अ नाइस लॉन्ग डिस्कशन, उसको हम वो शिक्षा का प्रारूप डॉक्यूमेंट भी है, उसको ऑल्सो वी कैन शेयर, वेबसाइट पर भी है, उसमें बाबा जी इज गिवन हिज हिज व्यू ऑफ शिक्षा का। भैया 72 पेज पे जब ये बात करें कि सीखना सिखाना करने कराने को समझने से अलग माना गया है, मतलब अभी फिलहाल हम मतलब इसका मतलब हम जो भी पढ़ा रहे हैं उसको उसको समझदारी की बात नहीं बोल रहे हैं। दूसरा पन्ना नहीं है क्या, कुछ चाबी नहीं है कुछ, अरे तो दूसरा दूसरा बोर्ड डाल दे। शैलेंद्र भाई म्यूट कर ले अपने आप को। जी गुड इवनिंग। सर इसमें ये हाँ ये सीखने सिखाने करने कराने को इसमें शून्य की इससे पहले वाला लाइन ना, अभी तक हम सीखने करने कराने का काम बहुत अच्छे से कर लिया किंतु समझने के क्रम में शून्य है, मतलब इसका कनेक्शन कैसे देखें? तो समझना सीखना और करवाना, तो समझना समझाना मतलब ये नॉलेज लेवल पे, ज्ञान लेवल पे हुआ, सीखना सिखाना इज एट द लेवल ऑफ स्किल्स, बाबू जी काफी उस पे रेफर करते हैं, फैक्ट्स के बेसिस पे बेसिकली। हाँ नहीं, ये जैसे जैसे गेटिंग ट्रेनिंग जो होगी मशीन्स के साथ, टूल्स के साथ काम करने की, इंजीनियर की या फिर मिस्त्री की या खेती की, ये सीखने सिखाने के लेवल पे है। अभी जो बात कर रही है समझने समझाने के लेवल पे, तो जो दुनिया का जो भाग है जो स्किल्स को लेके है, जो डूइंग को लेके है, उसको सीखना सिखाना कहा, समझना कहा, द लेवल ऑफ नॉलेज, दुनिया की समझ, एग्जिस्टेंस की समझ। तो बाबा जी कह रहे हैं कि सीखना सिखाना करना करवाना, मतलब जिसने सीखा उसने सिखा दिया, जो जैसा हम जी रहे हैं वैसा हमने दूसरे को भी बता दिया, उसको भी करवा दिया, तो ये तो हम कर रहे हैं, पर ही सेइंग द एस्पेक्ट ऑफ समझना, मतलब क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, इसका पर्पस क्या है, ये मेरे ह्यूमन गोल से मैं मुझे कितना स्पष्ट है, वो कह रहे हैं वो इसमें हैज बीन निग्लेजिबल, जब उन्होंने समझने के क्रम में शून्य है उसको ये कहा। अभी तक हम सीखने सिखाने कर रहे हैं, कराना काम तो बहुत अच्छे से कर लिए, जिसको जो आता था उसने सामने वाले को सिखा दिया, अपने बच्चे को सिखा दिया, और हम करते ही है ना, जो मुझे आता है, मैं मुझे फोटोग्राफी आती है तो मेरे बच्चे को तो मैं सिखा ही दूंगा, तो ये सीखने वाला हो गया कि जैसे मैं चीज़ों को करता हूँ मैं उसको करवा दूंगा। बाबा जी रेफरिंग टू समझने वाली बात है। ठीक है भैया, बस बात यह है कि जब आप जैसे स्कूल सेटिंग में जाते हैं तो बच्चे रिलेशन पे भी तो बहुत चीजें बोले बिना सीखते हैं ना, सिखाई नहीं जाती, बट आप एक दूसरे के साथ डीलिंग के थ्रू और चीजों के थ्रू भी सीखते हैं, जो कि जो समझदारी की तरफ जाने की पूरी एक गुंजाइश है ना जिसका। हाँ, तो समझना बाबा जी डेफिनेटली लेवल ऑफ लिविंग होगी, समझना समझाना, तो वो सिर्फ बोलना नहीं है, वो जीना भी है, तो आप जो कह रहे हैं वो समझने की कैटेगरी में आएगा। सो द कंटेंट ऑफ समझना समझाना इज लिविंग आचरण ज्ञान, सीखना सिखाना इज द लेवल ऑफ स्किल्स। जैसे मैंने आपने मुझे इंग्लिश या फ्रेंच सिखा दी,
पर मैं आपसे हम जब समझने की बात करें जीवन विद्या में, देन वी रेफरिंग टू नॉलेज, ज्ञान की बात, अस्तित्व कैसा है, मैं क्या चाहता हूँ इसको. तो बच्चा जो टीचर से सीख रहा होता है तो वो तो एक तो लैंग्वेज स्किल्स हैं, कुछ सब्जेक्ट स्किल्स हैं, आगे जाके कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग है या कुछ खेती सीख रहा है या प्लम्बिंग सीख रहा है, ये सीखना सिखाना हो गया. समझना समझाना इस जब कह रहे हैं कि उसका पीछे का जो नॉलेज पार्ट है उसको रेफर कर लिया, जो कि अस्तित्व के सिंक में है. नॉलेज पार्ट मतलब हाँ, भैया हमें साइंस ने रीजनिंग सिखाई है ना, टू रीजन, टू लॉजिकल थिंकिंग, ये भी तो मतलब ये इवन हम इसको जो एक्सेप्ट कर रहे हैं लॉजिकली तर्क के आधार पर, ये भी तो सोच का एक वो उसका आई थिंक एग्री कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं आई सपोज. मतलब एक्चुअली इसके कॉन्टेक्स्ट में बिकॉज़ आगे बाबा जी कहते हैं ना कि किसी ने 1000 हथौड़े मारे, बहुत लोगों ने हथौड़े मारे, लास्ट मारा कहते हैं सफल बात, पर वो क्रम भी है कॉन्स्टेंट क्रम. और ये भी आता है कि विज्ञान ने क्या कंट्रीब्यूट किया. एक जगह उन्होंने कहा था कि विज्ञान ने जो तर्क मानव जाति को दिया और जो सुविधा की जो सुरक्षा दी थी वो हो गया है, अध्यात्म ने क्या दिया, वो भी ही रेफरेंस टू कॉन्स्टेंट थी. पर यहाँ पे बोलने में ऐसा है कि अभी तक हम जो कर रहे हैं कि हम तो एक दूसरे को सीखना सिखाना कर लेते हैं, करना करवाना कर लेते हैं. जैसे हम अपने बच्चों की तरफ देखें तो पेरेंटिंग में ना बहुत बड़ा पार्ट ये रहता है कि हाउ टू डील विद द वर्ल्ड, यू नो, कि कैसा रहता है, ऐसे करो वैसे करो. पर जो नॉलेज वाला पार्ट है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, किस लिए जी रहा हूँ, अभी जी कहने वो बहुत ही निग्लेजिबल है, उसको हमको वापस लाने की जरूरत है, बढ़ाने की जरूरत है. ही इज रेफरिंग टू समझना समझाना हियर टू दैट. थैंक यू. जी और कुछ इसमें? ये अगर कोई नहीं पूछ रहा तो एक पहले का प्रश्न था, जैसे आप बता रहे थे कि आपका ट्विन है और अगर सेम ही एनवायरनमेंट में अगर बड़े होते हैं और वो सब होते हैं, फिर आप कह रहे थे कि कुछ जीवन से रिलेटेड कुछ ऐसा होता है जो कि अनफुलफिल्ड होता है या फिर किसी की कोई सीख करने के लिए या फिर कुछ ऐसा, तो वो उसके बारे में कोई एग्जाम्पल बता पाएंगे, क्योंकि वो चीज़ तो अभी इसके बारे में बात नहीं हुई यहाँ पे कि और मतलब जो प्रायर बर्थ है या फिर जो भी रहा है, बट कोई ऐसा रियल एग्जाम्पल जैसे कि दो जो एंटिटी हैं वो डिफरेंट होती है अगर उनको सेम एनवायरनमेंट में ही बड़ा किया जाए. यार देखिए ना, स्कूलिंग में भैया कितने बच्चे 12 साल 6 घंटे एक ही क्लास में बताते, none of them choose similar thing. अभी इसका बहुत बड़ा एग्जांपल है भैया कि आप 20 इयर्स पहले, मैं फिर से रिफ्रेश करता हूं, मतलब जीवन के एस्पेक्ट पे, मतलब जीवन का ऐसा रोल प्ले करता है कि जिसकी वजह से ऐसा होता है, जैसे कि आप आपके ही घर के अंदर जो आप एक मतलब एग्जांपल है, तो वो उस चीज में कि पेरेंट्स भी सेम हैं और वो भी सब चीजें सेम हैं, जीन्स भी सेम हैं, वो हो जाता है कि हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल वेरिएशन को पूरा लॉकडाउन कर देते हैं. तो ट्विन्स में क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फैक्टर सारे गायब हो जाते हैं, जेनेटिक जीन्स भी सेम है और एनवायरनमेंट भी, जैसे मैं और मेरा भाई तो हम लोग 12th तक रहे, पर हम लोग तो फ्रेटर्नल ट्विन्स थे, हम दोनों का चेहरा नहीं मिलता, कुछ लोगों का चेहरा भी मिलता है तो फिर तो वो तो पूरा एक ही हो गया. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स के वेरिएशन को अगर कम कर दिए, फिर भी क्या ये दो लोग बिल्कुल एक जैसे रहेंगे? अगर करने में भी लोगों का एक जैसा आदत हो गया, जैसे एक घर में सारा फैमिली मिर्ची खाता है तो सबको मिर्ची खाने की आदत है, वो किसी और के घर पे जाएंगे तो ये कंडीशनिंग का रोल इतना दिखता है, पर रिलेशनशिप में उनका जो एटीट्यूड है सबका सेम रहेगा. विल दे ऑल बी सिमिलर काइंड ऑफ हस्बैंड और वाइफ? और आजकल के बच्चे आप देखिए, पेरेंट्स जो पहले तो एक ट्रेंड था कि पेरेंट्स जैसा करते थे वैसे ही बच्चे करते थे, पर वो भी अगर दोनों बच्चे ही पेरेंट्स के फैमिली के बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, उन दोनों का भी अप्रोच एक रहेगा कि अलग रहेगा? कौन ज्यादा इंटेलेक्ट, कौन ज्यादा लॉजिकल है, कौन ज्यादा स्पोर्टी है, कौन एडवेंचरस है, कौन ये है? तो कुछ कुछ चीजें तो कंडीशनिंग के रूप में हमको मिलती हैं, फैमिली से लेते हैं हम, और कुछ हमारे बॉडी का भी इम्पैक्ट रहता है, जिनकी बॉडी बहुत एनर्जेटिक रहती है उनका एनर्जी लेवल अलग रहता है. पर एट द सेम टाइम डीप डाउन ना, जिस प्रकार के हमारे दोस्त कौन होते हैं, जैसे छोटे एज पे हम लोग उन बच्चों के साथ होते हैं जो हमारे प्रॉक्सिमिटी में होते हैं, धीरे 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 वी स्टार्ट चूजिंग फ्रेंड्स. तो अगर मैं आपसे जो आपसे पहले पूछने वाला था कि 20 साल पहले ये जो अभी 20 लोग हैं इनकी हम एक लिस्ट बनाते हैं और बोलते कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि 20 साल बाद ये लोग हर सैटरडे संडे 1.5 घंटा एक साथ बैठ के लाइफ के बारे में बात करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑलमोस्ट मतलब जीरो के है.
क्योंकि अगर हम फिजिकल सिचुएशन को देखेंगे तो देयर इज नथिंग व्हिच ब्रिंग्स अस टुगेदर, बट व्हाट ब्रिंग्स अस टुगेदर इज एन इच्छा इन अस व्हिच इज जीवन. हम उसको समझना चाहते हैं. जैसे आपके जो दोस्त होंगे वो कुछ होंगे जो हम अब हम पले बढ़े, कुछ है जिनके साथ कुछ कुछ वैचारिक समानता है ना, कुछ कुछ जिन तो हम पेरेंटिंग में भी ऐसे करते हैं कि हम कुछ पेरेंट्स अचानक से फ्रेंड्स बन जाते हैं, कुछ को लंबा टाइम लगता है. बिकॉज जो जीवन में जो स्वीकृतियां होती हैं, जैसा वो सोचता है, जैसा उसका उसका पैटर्न है, वो वैसे ही टाइप को लोगों को ढूंढता है. तो जिसको पैसा कमाना होता है वो पैसे वाले लोगों को ढूंढ लेता है, जिसको थोड़ा शिक्षा में काम करना होता है वो उसको ढूंढ लेता है, कोई शिक्षा में ऑल्टरनेटिव में काम कर रहा है वो भी उसको वो फिर वो ढूंढ लेता है. तो मेरे लिए बहुत बड़ा ये रहा कि नाउ वी कैन लुक बैक एंड मैप, कि जो हमने डिसीजन लिए लाइफ के उस वक्त वो इतने क्लियर नहीं थे, बट नाउ वी कैन लुक बैक एंड सी व्हाट वी लुकिंग फॉर. कई बार हमको ये क्लियर नहीं होता कि हमको क्या चाहिए, पर क्या नहीं चाहिए ये जल्दी जल्दी हम उसको छटा के चलते रहते हैं. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स जो नर्सरी से शुरू करते हैं, नाइन्थ तक आके ये लोग अलग अलग चॉइसेस ले लेते हैं. कुछ चॉइसेस होते हैं क्योंकि पेरेंट्स ने बोला होता है साइंस लेना है, अकाउंट्स लेना है, ये लेना है, पर उसके बाद ट्वेल्थ के बाद और डाइवर्जन हो जाते हैं. तो सब्जेक्ट सब्जेक्ट की डिसीजन एक चीज हुई, पर लाइफ में भी कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, किनके साथ दोस्ती रहती है, किनके साथ नहीं, कौन क्या चूज करता है, कौन कैसा सोचता है, किसके घर में पानी कितना वेस्ट होता है, कितना ठीक होता है. कुछ लोग संडे को अपने बच्चों को मॉल ले जाना चाहते हैं, कुछ ट्री क्लाइंबिंग वर्कशॉप ले जाना चाहते हैं संडे को, मतलब व्हाट डिटरमाइंस ऑल ऑफ दिस. और ट्री क्लाइंबिंग वर्कशॉप में हम उस टाइप के लोगों से मिलते हैं जो बोलते हैं यार नेक्स्ट संडे काइट फ्लाइंग है, मॉल वाले में फिर बात करें कि नेक्स्ट संडे वो फॉर्मूला वन देखने चलते हैं. तो मतलब ये जो हमारे चॉइसेस हैं, हॉबीज हैं, ये दे आर रिफ्लेक्शन एंड मैनिफेस्टेशन. कोर में जो जीवन की स्वीकृतियां जो रहती हैं वो उसी आधार पर शरीर को भी चुनता है कि कहां उसको जन्म लेना है, उसी आधार पर वो अपने वातावरण को भी चुनने की कोशिश करता है. पर इतना भी दिखता है कि जीवन जितना स्ट्रांग होता जाता है, जितना समझदार होता जाता है, नेगेटिव एनवायरनमेंट का इफेक्ट उस पर कम पड़ता है. ये भी एक दिखता है. तो इसलिए एक बहुत ही टफ नेगेटिव एनवायरनमेंट से भी आदमी पॉजिटिव हो सकता है, और ये भी दिखता है कि बहुत पॉजिटिव एनवायरनमेंट में भी आदमी नेगेटिव है. तो इतना भी दिखता है कि जीवन इज नॉट प्योरली अ प्रोडक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट. जीवन के अंदर एक एक संस्कार की का एक लेवल है, एक समझ का लेवल है वो, और एनवायरनमेंट के कॉम्बिनेशन में उस वक्त वो व्यक्ति जी रहा. भैया हमारे इसमें एजुकेशन के अंदर ये चीज बताया जाएगा, ये एस्टेब्लिश होगा कि जीवन जो है उसकी कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर या फिर जो चीज जैसे आपने बताया कि जो चीज नहीं करनी है वो तो छट जाता है, मगर चाहे जो चीज करनी है वो ना पता चले. तो कुछ ऐसे डिसीजन होते हैं लाइफ के अंदर जो कि अनफुलफिल्ड होते हैं, मतलब अनफुलफिल्ड कुछ टास्क होते हैं जो कि जिसको हम प्रॉपरली नहीं कर पाते. तो मैं कहाँ से आ रहा हूँ वो ये है कि कुछ ऐसे डिजायर्स होंगे डेफिनेटली जीवन के जो कि अनफुलफिल्ड होंगे और जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, मगर कहीं ना कहीं काम नहीं हो रहा जिसकी वजह से एक डिससेटिस्फेक्शन की बात है. तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या हमारे इसमें पढ़ाई में ऐसा आएगा कभी, या कोई ऐसी बुक्स हैं जिसको रेफर कर सकते हैं कि जीवन के कुछ पहले के कुछ संस्कार या कुछ अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं जो कि वो अगली जीवन यात्रा में, मतलब ये चीज अभी एस्टैब्लिश नहीं है अभी जितना भी हमने किया. ठीक है, इसमें भी इसको इंडियन ट्रेडिशन ने प्रारब्ध भी कहा है कुछ जगह पर. तो इसको व्हाट व्हाट द जीवन इज थिंकिंग फॉरवर्ड अपनी चली जाती है, हम लोगों ने कलर डिफाइन किए हैं. तो थोड़ा इस टॉपिक इज अ बिट ऑफ अ लॉन्ग वन आल्सो, पर इतना तो देख सकते हैं कि एक लाइफ टाइम में भी हमारे अनएड्रेस्ड एस्पिरेशंस तो रहती हैं. कुछ मुझे पता होती है, कुछ मुझे पता ही नहीं कि मुझे वो पसंद है. तो जैसे हो सकता है कि मुझे एक्चुअली पहाड़ बहुत पसंद है, पर मैंने कभी पहाड़ ही नहीं देखा. पसंद है मतलब मुझे उस टाइप की वाइब्रेशन पसंद है, या मुझे एक ठंडक पसंद है, बट मैं हमेशा गर्मी में रहा हूँ. मैं ठंड को एक्सपीरियंस करता हूँ, फिर लगता है मुझे यही चाहिए था. तो कभी कभी उस क्षण में लगता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे ये स्पष्ट हो गया जब एक अपॉर्चुनिटी आई. कुछ होता है कि मैं पहाड़ एक बार गया था और फिर जाने का मन है, तब से मैं जा ही नहीं पा रहा, वो अनएड्रेस्ड एस्पिरेशन, वो पता नहीं चला मेरे को. तो अभी हम लाइफ में कई बार ऐसे चॉइसेस ले लेते हैं. तो फिर मुझे इतना लगता है कि जीवन में ना इच्छा या चित्रण क्रिया जो है वो एक काफी पावरफुल क्रिया है. जीवन अपने अंदर कुछ चित्रण बना लेते हैं, वो कुछ भी हो सकता है. वो मैं फिल्म मेकर हूँ तो मैंने एक अवार्ड का चित्रण अपने अंदर बनाया हुआ है, या बचपन में था तो एक ब्लैक कार का बनाया हुआ है, वर्ल्ड ट्रैवल का बनाया हुआ है, लोग मेरी बात सुने, कुछ भी बहुत सारे चित्रण हो सकते हैं. ये रहता है कि जो चित्रण बहुत स्ट्रांग रहता है, और कई बार हम उस चित्रणों के अवेयर रहते हैं, कभी नहीं अवेयर रहते. तो और हम अगर चित्रणों के अवेयर नहीं रहे, और चित्र वो सही है हमको हैप्पीनेस देंगे ये हमको नहीं पता, मैं तो वहाँ जा भी नहीं रहा हूँ. I'm just saying what we have made,
कॉम्बिनेशन ऑफ व्यूइंग अदर्स और मेरे अंदर से बना, दोनों के कॉम्बिनेशन में बनता है। तो कई बार कुछ चित्र बहुत स्ट्रांग होते हैं और उन चित्रणों को पूरा करने के लिए जो करना होता है मैं कोई और पाथ पे होता है, तो उसमें जीवन के अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट गो थ्रू हो रहा होता है, तो वो एक परेशानी करता ही है। तो इसको ऐसे कहा कि कई बार हमारे पास मल्टीपल चित्रण होते हैं, तो मल्टीपल डिजायर्स हमारी एग्जिस्ट करती है इन पैरेलल, सम कॉन्शियस सम सब कॉन्शियस। हम ये भी कंफ्यूज होते हैं कि हम किसको चुने, कभी कभी सिचुएशंस होती है कि आई वांट टू बी इन द क्रिएटिव फील्ड फाइनेंस फैमिली के लिए हेल्प करना शुरू किया और वो अनएड्रेस्ड रह गया, या कई बार मेरा वो वाला पार्ट एक्सप्लोर ही अभी तक इस लाइफ में और मैं सडनली आई कम चांस अपॉन इट, पर तब तक मैंने कुछ और करना शुरू कर दिया। तो चित्रण में रहते हैं तब तब ये विरोधाभास कहते हैं उसको, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तो आई फील देन आई एम कॉन्फ्लिक्टेड। अचानक से आ गया, मुझे लगा, मुझे पता नहीं था कि मैं ये भी करना चाहता था। इसके बाद जीवन चित्रणों के रूप में तो देखते हैं, फिर ये चित्रण एक्चुअली आर मैनिफेस्टेशन ऑफ समथिंग कॉल्ड इच्छा, डिजायर। डिजायर मेरी है कि लोग मुझे जाने और उसका चित्रण हो गया कि मैं फिल्म स्टार बन जाऊँ, डिजायर का टैंजिबल उसका प्रोडक्ट हो गया। हाँ, उसका जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू मेक मनी और मुझे लगा कि इंडी करने से हो जाएगा, तो ड्रीम एक्चुअली इच्छा मनी की थी, चित्रण मतलब हाउ टू गो अबाउट इट, वो मैंने इंडी के थ्रू पहुँच गया। तो गुड ऑब्जर्वेशन इज दिस कि इच्छा के रूप में हम लोग अभी क्या चाहते हैं, मैंने अपनी इच्छा करते हैं, पर इसके अंदर भी अगर वो है तो हम अवेयर हो जाए, कहाँ मैं खड़ा हूँ और कहाँ मैं पाना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, दोनों की कॉम्बिनेशन में अध्ययन होता है, दर्शन क्या कह रहा है और मैं कहाँ खड़ा हूँ उसको भी नहीं। तो जीवन में संभावना तो होती है कि उसमें कुछ अनएड्रेस्ड रह गया हो, उसको एड्रेस करना चाहिए, समझ से भी एड्रेस हो सकता है या कुछ कुछ करके एड्रेस हो जाता है। अंकित भाई, आपने भी जो कॉन्फ्लिक्ट की जो बात कही, तो क्या ऐसा माना जाए कि जीवन में हम वही कर पाते हैं या हमें वही चीज मिलती है जहां पर कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये नहीं हो, मतलब जहां पर भी समन्वय होगा वहीं पर हमें मतलब सक्सेस मिलेगा, कहने का मतलब है कि वो हमें चीज हमें उपलब्धि होगी, और जहां जहां पर ये कॉन्फ्लिक्ट रहेगा वहां पर हमें वो उपलब्धि नहीं होगी। जी भैया, तो भैया अगर सक्सेस को हम उसकी मेन स्ट्रीम की डेफिनेशन को हटा दें भैया, यानी कि तृप्ति, लेट्स यूज द वर्ड तृप्ति या सैटिस्फैक्शन, जो कोई मुझे लगता है वो है, तो भैया दर्शन में यही कहा है कि देर आर पॉइंट्स, देर आर एस्पेक्ट्स ऑफ हार्मनी ऑफ तृप्ति जिनको समझा जा सकता है, उनको पहचाना जा सकता है, और यही यही अलाइनमेंट्स हैं, यही हार्मनी है जो मानव को सुख देती है, इनको इन्हीं को वैल्यूज का, इन्हीं को मूल्य का। तो उसमें से कुछ मूल्य हैं जो जिसको जीवन मूल्य का, मतलब मेरे अंदर के इच्छा विचार आशा के अंदर अलाइनमेंट होना, यही सुख शांति संतोष जाना है, इसको कहा जीवन मूल्य। दीज आर पॉइंट्स ऑफ इनर हार्मनी के पॉइंट्स का, यही एज ए ह्यूमन बीइंग मेरे अंदर धीरता वीरता उदारता दया कृपा करुणा, इसको कहा मानव मूल्य। व्हाट इज द नेचुरल मैनिफेस्टेशन ऑफ माय बिहेवियर, मैं कोई देखे ना देखे, कोई पहचाने नहीं पहचाने, मुझे अपना बिहेवियर कैसे सेटिस्फैक्ट्री लगता है, इज कॉल्ड मानव मूल्य, जो मेरा नेचुरल स्वभाव है वो मैनिफेस्ट हो जाए। संबंधों में इसको संबंध 18 मूल्य, 9 मूल्य सम्मान विश्वास अर्पिता, और नेचर के साथ 2 मूल्य। तो ये वैल्यूज इज द पॉइंट ऑफ अलाइनमेंट एंड हार्मनी, जिसको बाबा जी ने क्लियरली कहा, दैट्स व्हाई ही सेड कि ह्यूमन बिहेवियर कैन बी अंडरस्टूड कॉम्प्रीहेंडेड एंड इज डेफिनेट, उन्होंने इसको निश्चित कहा, उन्होंने इसको डेफिनेट कहा, अदरवाइज ह्यूमन बिहेवियर करंट हम देखेंगे तो बहुत ही सब्जेक्टिव और वेग लगता है जी। तो हम सेशन में लिखते हैं ना 18 मूल्य, लोग बोलते हैं यार गिनती कहाँ से आ गई ह्यूमन बिहेवियर में, so yes bhaiya, what you're saying is that it is it that these there are points of there are harmonies and alignments jab hum usko achieve karte hain aur wo usko sustain kaise karna hai wo anubhav mein ho jata hai usi ko sukh ka jeevan to lack of so sukh ki definition yahi hai virodh ka na hona conflict ka na hona harmony mein rehna sangeet mein rehna yahi sukh hai usko hum alag alag dimensions mein pehchan sakte hain thank you इच्छा चित्रण को फिर अलग इच्छा तो चित्रण की वजह से ही होगी ना। हाँ, इच्छा हमारी जो वो है क्रिया है वो चित्रण के रूप में दिखती है, उल्टा नहीं है, चित्रण इज द विजुअल, मतलब जो आप
आप कुछ बनाते हैं अपनी लाइफ में, एक एम आपको लगता है ये होना चाहिए, वो चित्रण हुआ, जैसे सक्सेस होना इच्छा है, और सक्सेस कैसा कैसी होनी चाहिए वो चित्रण है, एवरी इच्छा बना सकते हैं एक्चुअली, ये वो है, इच्छा ही चित्रण है, पर इच्छा हमको बिना चित्रण के दिखती नहीं, मतलब एक्चुअली मूल में इच्छा है और उस इच्छा का एक हम एक मन में एक इमेजिंग बनी हो जाए, मतलब जीवन में एक इमेजिंग, अच्छा ओके, तो वो जीवन क्रिया जब हमने किया होगा ना तो हम देख सकते हैं कि तो इच्छा इज द क्रिया एंड द एक्टिविटी इच्छा डज इज चित्रण, इसको ऐसे देख सकते हैं। जो जैसे हम कहते हैं ना पैर, पैर चलता है तो इच्छा क्रिया चित्रण करती है, इसको ऐसे देख सकते हैं। तो पैर और चलना का जो जो रिलेशनशिप है वही इच्छा और चित्रण का है। तो जैसे मन में एक क्रिया है जो आस्वादन करती है, जो चयन करती है, तो विचार में हमारे तुलन होता है, तो इच्छा में हमारे चित्रण होता है, तो जो भी हमारी इच्छा है वो एक चित्रण के रूप में, एक इमेज के रूप में वो हो। आगे बढ़े जी, और कोई वॉलंटियर पढ़ने के लिए? मैं पढ़ लेता हूँ भैया जी। न्यायपूर्वक हमसे जीना बना तो हमारी प्रामाणिकता की स्थली बनी हमारा परिवार, परिवार जनों की आंखों में हम ठीक चल रहे हैं यह आ जाता है। परिवार में न्यायपूर्वक चलने के बाद जितने हमारे मित्र परिवार हैं उनके बीच सटीकता से हमारी पहचान देखा पता देख पाता हूँ। उसके बाद न्यायपूर्वक जीना हमारे अधिकार में हो गया तो आगंतुक आगंतुक आते हैं उन पर भी हमारी पहचान स्पष्ट करने का समर्थ हो पाता है। हर मानव अपनी सार्थकता और सफलता के अपनी चाहत में बनाए ही रखता है। हमारी समझदारी है हमारी नेक चाहत का स्रोत, इस स्रोत को हम कभी भी भुलावा नहीं दे सकते। शुभ हर व्यक्ति को स्वीकार है और हर व्यक्ति की चाहत है और शुभ घटित होने के लिए इंतजार हम सब कर ही रहे हैं। इंतजार करते समय संबंध का मुद्दा आता है, संबंधों की पहचान उसमें निहित प्रयोजन मूल्य की पहचान ही है, यही अध्ययन है। प्रयोजन पहचानने के बाद मानव स्वाभाविक रूप में निष्ठा निन्वत होता है और फिर पारंगत होता है। पारंगत होने के बाद फलित होता है, यही विधि है सफलता की जो काफी सरल है। अभ्युदय सभी संबंधों के साथ जुड़ा ही रहता है, संबंधों का प्रयोजन अभ्युदय है अर्थात सर्वतोमुखी समाधान और सुख के अर्थ में है। समाधान के अर्थ में ही हम प्रेम करते हैं, समाधान के अर्थ में ही हम कृतज्ञ होते हैं, मैत्री करते हैं, विश्वास करते हैं, मानव व्यवहार के में प्रशस्त रहते हैं और सुख का अनुभव करते हैं। मूल्यों का स्वरूप बनता है ममता वात्सल्य विश्वास स्नेह कृतज्ञता गौरवता प्रेम श्रद्धा सम्मान। हमारे अभ्युदय के लिए जहाँ से सहायता मिली हो, जिससे भी मिली हो, इसे इसकी स्वीकृति का नाम कृतज्ञता है। कृतज्ञता के साथ अन्य मूल्य अपने आप सार्थक होने लगता है। कृतज्ञता के पश्चात स्नेह प्रेम विश्वास सार्थक होता है। ऐसा कोई
ऐसा कोई आदमी नहीं मिलता जिससे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में सहायता ना मिली हो। सबकी सहायता के साथ आदमी बड़ा होता है, समर्थ बनता है और प्रमाणित हो जाता है। इस क्रम में जितने भी संबंध हैं, सात संबंध उनमें मूल्य ही मूल्यांकित होने के संबंधों का निरंतरता होती है। संबंधों में मूल्य मूल्यांकित ना होने पर संबंधों का निरंतरता होती नहीं है। सामान्य क्रम में ही में भी जिनको हम अपना संबंधी मानते हैं उनके साथ अच्छे ढंग से प्रस्तुत होते हैं, होते ही हैं। परंपरागत ढंग में हम संबंधों को बल, धन, बुद्धि, आयु के आधार पर पहचानते हैं, जबकि संबंध पहले अभ्युदय के अर्थ में है, दूसरे पोषण के अर्थ में है, तीसरे संरक्षण के अर्थ में है, चौथे उपयोगिता के उपयोगिता पूरकता के अर्थ में है, अर्थ में पांचवे सदुपयोगिता के अर्थ में, छठवें प्रयोजन के अर्थ में। संबंधों के लिए सर्वोपरि वरीयता प्रमाणिकता के अर्थ में है। प्रमाण के आधार पर हर कोई संतुष्ट होता है। मूल्य जीवन सहज रूप में उद्गमित होते हैं। जैसे हम और आप जब मिलते हैं तो स्वाभाविक रूप से मूल्य बनने से हमारे आपके बीच विश्वास मूल्य शुरू हो जाता है। इस विधि में हम संबंधों में मूल्य को पहचानने, मूल्यांकन करने और उभयतृप्ति पाने में समक्ष हो जाते हैं। इससे बड़ा लाभ क्या है हो गया? अभी तक भय और प्रलोभन के आधार पर संबंधों को पहचानते रहे, उनसे उसके स्थान पर मूल्य और मूल्यांकन समाधान समृद्धि की स्थिति में आ जाते हैं। भय और प्रलोभन कोई मूल्य ही नहीं है तो मूल्यांकित क्या होगा? भय के साथ प्रलोभन, प्रलोभन के साथ भय थोड़ी देर के लिए चुप होने वाली बात है। रोग तो वही वही का वही रहता है। न्यायालयों में भी न्याय की बात पूरी हुई नहीं, क्योंकि भय और प्रलोभन न्याय का आधार हो ही नहीं सकता। शताब्दियों से भय और प्रलोभन का आधार पर ही एक दूसरे को राजी करते रहे हैं, पर अभी तक कोई व्यवस्था दे ही नहीं पाए। हम इस बात पर सहमत हो पाते हैं कि भय और प्रलोभन कोई मूल्य नहीं है और ना ही संबंधों के में मूल्यांकित हो पाते हैं। मानव अभी तक मूल्यों के पास गया ही नहीं है। मूल्यों के पास गया होता तो मूल्य अभिव्यक्त होता, मूल्य प्रमाणित होता, मूल्यांकित होता और स्वाभाविक रूप में न्याय होता। न्यायालयों में फैसला होता है न्याय नहीं। इन फैसलों से एक पक्ष भयवश, एक पक्ष प्रलोभनवश सहमत होता है। उभय तृप्ति इसमें कभी हुआ नहीं, हो ही नहीं सकता। न्याय को पाने में हम सर्वथा असमर्थ रहे हैं। उसके बावजूद भी विश्वास का दावा करते हैं। विश्वास का क्या अर्थ होता है? सॉरी, विकास का दावा करते हैं। विकास का अर्थ क्या होता है आप ही सोच लीजिए। भय और प्रलोभन से हर मानव छूटना चाहता है। यह नियति सहज है। इससे मानव का भी कल्याण है, नैसर्गिकता का भी कल्याण है। इस तरह प्रयोजन के आधार पर संबंध, प्रयोजन समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व है। इसके लिए प्रक्रिया है व्यवस्था में जीना। व्यवस्था में जीने का मतलब है कि पांचों आयामों में भागीदारी करना। पांच आयाम हैं: शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा, स्वास्थ्य संयम, उत्पादन कार्य, विनियम कोष। भैया और पढ़े आगे।
जी भैया एक और पैराग्राफ पढ़ सकते हैं। ओके, इस विधि में हम परिवार में व्यवस्था में जीने के पांचों आयामों में भागीदारी करने के समग्र व्यवस्था में भागीदारी भागीदार होते हैं। इस तरह से मानव के लिए निरंतर उमंग खुशहाली अटूट साहस बन जाता है। न्याय के बाद आता है धर्म। धर्म का मतलब अनुभव प्रमाण बोध को बुद्धि, बोध जो बुद्धि में होता है अर्थात समाधान। समाधान का मतलब मानव धर्म है। व्यवस्था में जीने की ही मानव धर्म है, यही अभ्युदय है। अव्यवस्था में मानव जीता है तो समस्या के ग्रहसित हो जाता है। व्यवस्था में जब जीता है समाधानित रहता है। आदमी समस्या ग्रस्त रहना चाहता है, चाहता नहीं है, अतः आदमी समाधानित रहना चाहता है। समाधान बराबर सुख, मानव सुख धर्मी है। समस्या बराबर दुख, समस्या को आदमी चाहता नहीं। भय और प्रलोभन के आधार पर समाधान होता नहीं और सारा संसार तुला हुआ है कि भय और प्रलोभन के आधार पर समाधान हो जाए। भय और प्रलोभन के आधार पर व्यवस्था को समीकरण करने के लिए हम आज भी शिक्षण प्रशिक्षण करते हैं, प्रशिक्षण करते हैं, जबकि इससे व्यवस्था खो नहीं सकती। कहीं एक जगह पर भय और प्रलोभन के आधार पर कुछ बनता है तो उसी क्षण से उसके टूटने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अतः मूल्य और मूल्यांकन के आधार पर ही व्यवस्था होगी। परिवार व्यवस्था प्रौद्योगिकी प्रशासन राज्य व्यवस्था सभी स्तर पर व्यवस्था इसी विधि से होगी। व्यवस्था का मतलब यही है कि मानव अपनी प्रामाणिकता को प्रस्तुत कर सके, न्याय का निर्वाह कर सके और व्यवस्था में भागीदारी कर सके। भैया इसमें शुरू का जो पैराग्राफ है उसको अगर अपने वर्ड्स में बता पाए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, उसमें कनेक्शन नहीं बन पाया। ये जो न्याय और जो प्रलोभन है उससे पहले जो बात बोलना चाह रहे हैं जहां से स्टार्ट किया। हाँ, ये जो हर मानव अपनी सार्थकता और सफलता में अपनी चाहत को बनाने के लिए रखता है। इसमें कुछ कोर पॉइंट्स क्या थे? आई थिंक एक तो पहले आया है कि कैसे न्याय की बात हुई है और न्याय में दो तीन पॉइंट्स आए। पहला पॉइंट तो ये रहा कि हम न्यायपूर्वक जीना चाहते हैं, पर न्याय अभी जो ओवरऑल इसमें आया है कि न्याय की स्पष्टता नहीं हुई। संबंधों में बहुत सारा जो रहा वो एक रहा जो कहते हैं भय और प्रलोभन, उसकी बात हमने पहले कर चुके हैं कि बहुत सारा ट्रांजैक्शन या फिर कैसे जीना है या कैसे किसी से अपनी बात बनवानी है, ये सब भय और प्रलोभन के आधार पर रहा, फियर एंटाइसमेंट जिसको कहते हैं। इसमें एक बात है कि सार्थकता और सफलता हम चाहते हैं, पर ये चाहना को अगर संबंधों में हमको पाना है तो उसमें एक बड़ा पार्ट है उसके प्रयोजनों को देख पाना कि संबंधों की पहचान उसके निहित प्रयोजन से है जो ऊपर की लाइन में है, और ये मूल्य है। और ये भी बात आई कि मूल्यों की पहचान या उसका अध्ययन नहीं हो पाया तो संबंधों में इतना देख सकते हैं। अभी जो पहली बात हो रही थी कि ये हम सब में ये कंडीशनिंग है कि दूसरा क्या चाहता है हमको पता नहीं, तो दूसरा चित्रण रूप में शायद कुछ चाहता है, उसको गाड़ी चाहिए, उसको कुछ ज्वेलरी चाहिए, उसको मोबाइल चाहिए, ये चाहिए, पर एक्चुअली डीप में क्या चाहता है वो अटेंशन चाहता है। वो सामने वाले का क्या चाहता है, वो ध्यान चाहता है, ध्यान चाहता है, अटेंशन चाहता है, उसको और देखेंगे तो हर रिलेशनशिप में हर एक्सपेक्टेशन बाबा जी कह रहे कहीं पे फिर गो डीप 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 डाउन, वो कहीं ना कहीं एक वैल्यू पे बात। तो किसी को अगर लग रहा है कि उसको ध्यान नहीं दिया जा रहा, हो सकता है कि हम वो वैल्यू को समझते नहीं हो, पर वो वैल्यू की कमी हमको पता चलती है। जैसे हमको न्याय नहीं पता पर अन्याय पता है, तो मूल्य कहीं ना कहीं, जैसे मैं चाहता हूँ कि लोग, मैं बार बार क्यों अपने आप को जस्टिफाई करता हूँ, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास मूल्य का ही मैनिफेस्टेशन है कि मेरा इंटेंशन एक्चुअली ठीक है, वो
सोचते कि मेरी मेरे कॉम्पिटेंस में कमी हो, तो विश्वास मूल्य की तरफ वो ध्यान जा रहा है कि मुझे लग रहा है कि लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है, या मुझे लगता है कि जैसा मैं हूँ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते, अप्रिशिएट नहीं करते, ये लोग मुझे कम देखते हैं, उसमें कि कहीं ना कहीं सम्मान है, पर क्योंकि हम सम्मान को समझे नहीं है तो अभी ओवर वैल्यूएशन को सम्मान मान रहे हैं। तो ऐसे करके वी कैन सी दैट मोस्ट एवरी एक्सपेक्टेशन इन रिलेशनशिप, मोस्ट भी नहीं, उसका टेंजिबल पार्ट तो कोई ऑब्जेक्ट दिखता होगा या कोई बिहेवियर का एस्पेक्ट या कोई व्यवहार का एस्पेक्ट दिखता होगा, अगर हम डीप में जाएं तो वो कहीं ना कहीं एक वैल्यू के फुलफिलमेंट की चाहना है। पापा जी कह रहे हैं ये बात क्लियर नहीं हुई और बहुत सारा अपेक्षाएं भय और प्रलोभन की तरफ चली गई, लगा कि अपना काम निकलवाना है या फिर कुछ चीजों को पाना ही है और संबंधों में वही प्राइम मोड ऑफ एक्सचेंज है या प्राइम एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पे कहा कि वो वैल्यूज है, कृतज्ञता की बात तो आई, क्योंकि मतलब शुरुआत तो लगभग इस बात से हुई और इसी को भी समाधान से जोड़ा कि संबंधों का प्रयोजन अभ्युदय है और सर्वतोमुखी समाधान और सुख के अर्थ में है। तो एक अभी हम जन्मवाद का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें एक आया है कि जो ह्यूमन बिहेवियर है, व्यवहार है, व्यवहार का प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम एक दूसरे से समाधान चाहते हैं और व्यवहार में हम मूल्य चाहते हैं। तो समाधान मतलब लाइफ का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुख, और समाधान का मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा सीधा व्यापक से शुरू करें, समाधान का मतलब है जहां मैं खड़ा हूँ वहां से भी मुझे मेरे लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे क्या चीज जो अपनी लाइफ में क्लियर नहीं हो रहा, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे है जिसको मैं रिजोल्व कर पाऊँ। तो एक डीपर क्लैरिटी रहती है तो स्मॉल क्लैरिटीज जल्दी अचीव हो जाती है, डीपर क्लैरिटी नहीं रहती तो छोटी छोटी जो हम क्लैरिटीज को लगता है अचीव कर दी है, छोटे छोटे सोल्यूशन पा लिए, तो कुछ और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे आया कि कैसे न्याय जो है वो इस बात से आता है कि मूल्य क्या है, ह्यूमन बिहेवियर का पर्पस क्या है, उसमें समझदारी और समझ का रोल क्या है, उसको उस ट्राइंगल को बाबा जी ने इसमें एक्सप्लेन, कुछ और भी स्पेसिफिक होगा तो बताइए भैया, उसमें भी कैन एड्रेस करें। भैया मूल्यों के बारे में अगर समझ बन जाएगी तो अगर क्या किसी चीज की कमी होती है जिसको हम ओवर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, जैसे कि सम्मान की कमी हुई या फिर सेल्फ डाउट हुआ, तो तब उस चीज को हम ओवर पावर करके दूसरों को बताते हैं, जैसे आपने एक एग्जांपल कोट किया था इनिशियली, आप ये कहना चाहते हैं, और अगर मूल्यों की समझ बन जाए तो खुद के अंदर इस चीज की क्लैरिटी हो सकती है, तो फिर हम उस चीज को जो चाहे दिखावा कह लो या फिर वो कह लो वो हम करना बंद कर पाएंगे, या एटलीस्ट अपने आप इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे कि क्या है। अभी क्या होता है ना, हम एक चीज करते हैं कि मैं जो हूँ उसको मैं छुपा के आपको कुछ और दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको छुपा के दिखा रहा हूँ या मैं छुपा भी नहीं रहा, ट्रांसपेरेंट भी हूँ, दोनों सिचुएशन में मूल्य की क्लैरिटी नहीं है। एक बार तो ये क्लियर कर लेते हैं, ताकि ना कई बार क्या होता है कि वो गुड एंड बैड की डेफिनेशन में ना वो थोड़ा सा हम वो हो जाते हैं। तो पर ये है कि एवरी एक्सपेक्टेशन जो अभी हम जिसको अपेक्षा कहते हैं संबंध में, उसको हम कहीं ना कहीं एक मूल्य पे रूट कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ जीवन, शरीर की सुविधा वो शरीर की नीड है, उसको हम जीवन की आवश्यकता के रूप में नहीं देख रहे, मानव के रूप में है। तो मैं सेइंग कि एक्सपेक्टेशन, मैं सेइंग कि दूसरी ह्यूमन बींग्स एक्सपेक्टेशन, कुछ चीज़ें फिजिकल फैसिलिटीज की हैं, इसलिए केयर ममता एक मूल्य है, जिसमें जब हम अपनी आवश्यकताओं को जैसे या तो बचपन में या बूढ़े होने के बाद या फिर बीमारी के दौरान अपने शरीर का ख्याल रखना अपने से नहीं होता है, तब वो वाला भाग भी जो मानव अपने लिए करना चाहता है वो समवन एल्स हैज टू डू फॉर दैट टाइम, बट सुविधा वाला पार्ट एक है फैसिलिटीज का, उसकी जो आवश्यकता है, पर अभी जो वैल्यूज की एक्सपेक्टेशन है, जो अटेंशन की एक्सपेक्टेशन है, वो हमको क्लियर नहीं है और वो हमको लग रहा है कि वो फैसिलिटीज से मिलेगी। तो ये शुरुआत में परिचय शिविर में काफी सारी बात हो जाती है कि रेस्पेक्ट का एसोसिएशन मोबाइल फोन से, कार से, एड्रेस से, पैसे से क्यों हो गया, तो कहीं ना कहीं आई इज इक्वल टू बॉडी, मैं इज इक्वल टू शरीर हो गया है, तो ये मिसप्लेस एक्सपेक्टेशन है। मूल्य क्लियर होता है तो हम रिलैक्स होते हैं और हमें ये समाधान हमारे पास होता है कि संबंध में जो तृप्ति है वो कहाँ से है। तो इसमें जैसे एक बहुत कॉमन चीज़ हम शिविर में बात करते हैं, और लोगों से पहले बात हुई होगी, हर कोई इस बात को अग्री करता है कि मुझे कोई नहीं समझता, मतलब वाइफ हो, बच्चे हो, नेबर्स हो, ऑफिस हो, कोलीग्स हो, स्टूडेंट्स हो, पर हम अपने आप को कितना समझते हैं ये भी हमको क्लियर नहीं है। तो कहने का ये आया कि हमको भी अपनी अपेक्षाएं क्लियर नहीं है और हम चाह रहे कि कहीं ना कहीं से दूसरा मुझे समझ जाए उसको क्या चाहिए, पर ये है कि जब मूल्य हमको समझ में आता है, अनुभव की स्टेट में विश्वास, सम्मान, ये सारे जो नौ मूल्य हैं ये मुझ में स्थापित हो जाते हैं, सो आई एम लिविंग दीज वैल्यूज, इनका सुख तो मुझे मिलता ही है, तो मैं विश्वास में रहते हुए लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, मैं सम्मान में रहते हुए लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ,
कृतज्ञता स्नेह सब मैं रहते हुए करता हूँ, तो सामने वाले का बिहेवियर, सामने सिचुएशन से मेरे वैल्यू की फुलफिलमेंट का फर्क नहीं पड़ता, तो आई एम ऑलरेडी मूल्यों में रहते हुए जीते हुए उनका सुख भोगते हुए फिर मैं जी रहा होता हूँ। तो उससे अगर अगर रिलेशनशिप में उस तरफ से वो मूल्य वापस भी नहीं आता, वो मेरे सुख को कम नहीं करता। दैट्स वाई नॉलेज को एक बहुत पावरफुल स्थिति माना, कि उसमें ये है कि सामने वाला अगर आपको वो सम्मान नहीं भी दे पा रहा, उससे आपका अपना सम्मान उस व्यक्ति का सम्मान कम नहीं होता, वो ज्ञान में जाके वो स्थिर हो जाता है। उसके पहले हम कुछ देर तक उसको बना के रख पाते, कुछ देर तक नहीं बना के रख पाते, तो इसलिए मूल्यों की निरंतरता जो है वो अनुभव। ठीक है, बहुत बढ़िया जी। और कुछ इन पेजेस में किसी की और की तरफ से कुछ शेयरिंग या कोई क्वेश्चन? अंकित भाई, मैंने भी थोड़ा बहुत साइकोलॉजी की किताबें अपने आप ही पढ़ी और वैल्यू सिस्टम और वैल्यूज को समझने को इस जीवन विद्या के आने से पहले, तो मुझे पता चला कि कभी भी मैंने उस लेवल पे सोचा ही नहीं कि मैं जब एक्ट कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ और मैं किन वैल्यूज को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। या जैसे फॉर एग्जांपल किसी के लिए ऑनेस्टी कुड बी अ वैल्यू, और वो बिल्कुल भी मतलब चाहता है कि भाई मैं किसी से भी डिसऑनेस्ट ना रहूं, तो ये उसका उसकी अपनी वैल्यू, उसका वो मूल्य है जो उसको मजबूर कर रहा है कि भाई आप जो है ऑनेस्ट बने रहें। और हमारी शिक्षा में कभी भी इस तरह से बात ही नहीं हुई, हमने ज्यादा से ज्यादा नैतिक शिक्षा की बात करी अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में, मॉरेलिटी की बात कही, लेकिन सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कभी नहीं किया कि भाई हमारे कौन से वैल्यू, हम किस वैल्यू को लाइक और डिसलाइक कर रहे हैं। तो आप जो बता रहे हैं आई थिंक बहुत कुछ जो है उसको मिल रहा है। यू आर राइट कि मैंने जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ सोचा कि मैं अपनी लाइफ में ये करना चाहता हूँ, लेकिन ये केवल एक मैनिफेस्टेशन है, बट मैं क्यों करना चाह रहा हूँ वो उस वैल्यू पे डिपेंडेंट है एक्चुअली, जो कि हम वास्तव में कभी कभी जैसे आपने बोला हाइड कर लेते हैं। मुझे लगता है कि हम कभी पता ही नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअली में जो रूट कॉज है वो क्या है, हम क्यों उस तरफ ड्राइव हो रहे हैं या क्यों उस तरफ से हम हम हमको नहीं अच्छा लग रहा है उस तरफ। जी भैया, जी भैया बिल्कुल। एंड अभी ना वैल्यूज की डेफिनेशन भी अलग अलग है, सो एक है नोशंस, तो यहाँ पे वैल्यू को भी और क्लियरली ग्राउंड किया है कि बाबा जी सेइंग दैट ये जो मूल्य है ये उनका इमेजिनेशन नहीं है, ये एग्जिस्टेंस में उन्होंने जीवन के सुख के बिंदु या तृप्ति के बिंदु या अलाइनमेंट के बिंदु एग्जिस्टेंस में उन्होंने देखे हैं, हर एक को एक एक मूल्य बोला। तो पर भैया ये है जैसे व्हाट यू सेइंग इज आल्सो राइट, बिकॉज बड़ा इशू ये भी है कि अगर एग्जिस्टेंस एक है, हैप्पीनेस एक है, तो कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू सिस्टम्स कैसे हो सकते हैं, और अभी व्हाट वी आर स्ट्रगलिंग विद इज कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू सिस्टम्स ऑन अर्थ अभी राइट नाउ। तो इसलिए और वैल्यू सिस्टम का एक मैनिफेस्टेशन, उसका जो प्रकाशन रहता है वो नैतिकता है, मोरालिटी रहती है। नैतिकता मोरालिटी बिहेवियर के एस्पेक्ट को टच अपॉन करती है। एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये हो गया, ह्यूमन गोल सटल लेवल पे पैसा बनाना हो गया, और ऑनेस्टी की वैल्यू समाज में हम सुनते रहे। अब लोगों को कॉन्फ्लिक्ट हो गया यार कि अगर पैसा कमाना है तो ऑनेस्टी से तो नहीं होगा। तो फिर भाषा ऐसे आ गई, देखो आइडियल भी अच्छा है पर प्रैक्टिकल तो ये होता है, रियल दुनिया में ये होता है, तो ये भाषा आना शुरू होगी। इनफैक्ट हम परिचय शिविर जब करते हैं तो कई बार लोग बोलते हैं आप जो कह रहे हैं ठीक है, पर रियल दुनिया, मतलब हम जो बार बार रियल दुनिया बोल रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। तो ये हो रहा है कि जो थॉट्स की, जो कामनाओं की दुनिया है, जो विचारों की दुनिया है, वो अलग दुनिया है, वो पास्ट में कहीं पर फ्रीज हो गई है और रियल दुनिया कहीं और चलती है। तो हम जब अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो अलग तरीके की करेंगे, और जब जीने जाएंगे तो अलग तरीके की करेंगे। ये भी एक हमने एक्सेप्ट कर लिया इसको इसको, इसलिए ना बाबा जी कह रहे हैं कि दर्शन के साथ साथ ना प्रमाणीकरण क्यों कह रहे हैं, बिकॉज जो हमारा फिलोसोफाइजिंग है और जो हमारा जीना है ये भी एक्सेप्टेड है कि हम जो फिलोसफी करेंगे तो अलग लेवल का होगा, जीने जाएंगे तो ये कुछ भी वहां काम नहीं करेगा। तो एक लेवल पे ठीक है कि इसमें टाइम लगेगा करने में, पर इसको आगे जाके जीने से जोड़ना है, वो एस्पिरेशन मुझे लगता है खत्म हो गई है। और बच्चों के साथ तो बोलते हैं आप वैल्यूज की बात करते हो, अब इसकी बात करते हो, और मतलब कहीं भी ये सूटेबल तो नहीं लगती, तो ये कॉन्फ्लिक्ट तो आ गया है। तो भाई इतना मुझे समझ में आया है जीवन में, व्हाट आई आल्सो लर्नड इज कि
मोरालिटी सीधा ही व्यवस्था नहीं ला पाएगी, अभी लोगों में तर्क और समझने की जिज्ञासा इतनी स्ट्रांग हो गई है कि क्यों का उत्तर अगर मिलता है तो आदमी कुछ करने के लिए तैयार होता है, क्यों का उत्तर नहीं मिलता तो बोलता है फिर मुझे जो मुझे चाहिए वो मैं करूंगा। और बाबा जी कह रहे हैं क्यों का सवाल आना भी स्वाभाविक है, बिकॉज जिज्ञासा इज अ ह्यूमन ट्रेट, इज अ फंडामेंटल ह्यूमन जिज्ञासा, क्यूरोसिटी। तो और आदमी वहां पहुंच चुका है कि उसको लगता है यार कि अभी क्यूरोसिटी मेरी शांत नहीं हुई, मैं ये नहीं करूंगा। और क्यूरोसिटी अगर शांत नहीं होती तो आदमी कहता है फिर मैं मनमानी करूंगा, फिर मुझे जो वैल्यू सिस्टम ठीक लगता है मैं उसको करूंगा। बट आप जो कह रहे हैं वो ठीक बात है, देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, और जो सेटल गोल्स हमने सोसाइटी में बना दिए हैं, एक आदर्शवाद की दुनिया बन चुकी है और जो रियलिटी में रह रहे हैं, और जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। पेरेंट्स जो कह रहे हैं बच्चे उसको, उनको लगता है कि वो जो कह रहे हैं वो आज की दुनिया में अप्लाई नहीं होता, दुनिया और आगे निकल चुकी है। तो ये वाला एक चल रहा है, एंड देयर इज अ सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग वैल्यू सिस्टम्स। आवर वर्क वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम आवर हाउस वैल्यूज आर डिफरेंट फ्रॉम आवर इंडिविजुअल वैल्यूज। तो अलग अलग सिस्टम्स भी हो गई हैं, तो इसको इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है। बाबा जी सेइंग इट इज पॉसिबल बिकॉज देर आर वैल्यूज विच आर यूनिवर्सल इन नेचर, जो अक्रॉस टाइम स्पेस तृप्ति दे सकते हैं। पर सबको रीडिजाइन करना है, उसके लिए पहले आदि का सॉफ्टवेयर रीडिजाइन होना होगा। जी थैंक यू। हमारे पास 10 मिनट और बचे हैं शायद अभी इस सेशन के। जी कैसे करें, एक दो और पेज पढ़ लें कि कुछ क्वेश्चंस हैं तो बताइए। देव भैया सुनील भैया भी हैं? हाँ जी जी, शुड वी हैव सम कुछ क्वेश्चंस करें कि आगे पढ़ लें, या कुछ चर्चा कुछ करनी हो तो बताइए। या यदि आप ही किसी बात को खोलना चाहते हैं तो, जो अभी तक हुआ है। ठीक तो व्यापक का पॉइंट था, अगर किसी को कुछ उस पे टाइम नहीं मिला, मुझे पूछने का कि किसी को कुछ क्वेश्चन था तो सुबह जो बातचीत चल रही थी उसमें वो राजीव भैया का क्वेश्चन था, बस एक पॉइंट लजबिन उठा था उसका तो उत्तर दे दिया था। तो वो कुछ है नहीं तो एक बार ओपन ही कर लेते हैं, एनी अदर एस्पेक्ट जो आज की चर्चा में कुछ रहा, तो एक बार सबको कुछ क्वेश्चन होगा तो एक बार देख लेते। अंकित भैया एक छोटी सी बात पूछनी थी, अभी आपने रिस्पेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो अगर फैमिली में जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज में रहते हुए हैं, हमारे पेरेंट्स पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को एक एज के बाद कभी छोटे बच्चों के अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के पास आकर रहते हैं, तो इस ऐसी स्टेज में ग्रैंड पेरेंट्स अपने आप को प्रूव करके नहीं दिखा सकते अपने रिस्पेक्ट की, हमारा क्या वैल्यूज को अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लायक नहीं होते हैं। ऐसे में जो है बच्चे छोटे बच्चों का बिहेवियर अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, क्योंकि बच्चे अपने ग्रैंड पेरेंट्स को उस समय पर कुछ भी नहीं देख पा रहे कि हम किस चीज़ के लिए उनका रिस्पेक्ट करें, क्या करें, कैसे करें, तो अगर हमने उनके अंदर कल्टीवेट कर दिया है संस्कार के रूप में तो ठीक है, परंतु बड़े लोग किस तरह से अपने आप को जो है उनके साथ सामंजस्य बनाकर कैसे बैठा कर कैसे चल पाए, इसके बारे में थोड़ा सा बड़ों के लिए आप कैसे गाइड करेंगे। जी संध्या जी, संध्या जी इसे देखिए, अक्सर फैमिलीज में होता है जब फैमिलीज मिलती है ना तो किसका सबसे ज्यादा सम्मान होता है, बड़े हो छोटे हो कोई भी हो, जनरली जिसने लाइफ में कुछ अचीव कर लिया है उसका सम्मान होता है। और अचीवमेंट मतलब क्या, ज्यादातर अचीवमेंट मतलब वर्क लेवल पे या तो फेम हो या मनी हो, ज्यादातर देखेंगे इन दोनों, और भी होता होगा। तो आई एम सेइंग कि एट अ सटल लेवल ना ये ऑलरेडी सेट हो गया कि सम्मान किसका ज्यादा होता है, वो बच्चा माँ बाप की बात भी सुन रहा होता है, समाज में भी देख रहा होता है, तो उसको पता चलता है कि कोई बहुत ही, जैसे वो बचपन से सुन रहा होता है कि देखो वो लड़का सेटल हो गया तो सेटल नहीं हुए, तो उसके अंदर जो कंडीशन हो गई कि रेस्पेक्ट तो उसी का होता है जिसने या तो फाइनेंशियली वेल सेटल्ड है या वो है, और दो लोगों में से कौन ज्यादा सक्सेसफुल है उसका उसका डेफिनेशन भी यही है कि किसने वर्क लेवल पे ज्यादा सक्सेस पा लिया। और जो वर्क लेवल पे सक्सेस पा लेता है उसके लिए उसकी फैमिली बोलती है कि ये घर पे अगर कुछ भी करे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बाहर इतना सक्सेसफुल है, इसलिए घर पे वी विल कीप सपोर्टिंग हिम व्हाटएवर। बिल्कुल बिल्कुल, अलग होती है। अभी जब सीनियर दादा दादी या नानी आ जाते हैं तो बच्चा भी यही सोच रहा होता है यार अगर इन्होंने लाइफ में कुछ बहुत बड़ा किया है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको समझ ही नहीं आता। तो सफल संबंध में सफलता की बात अभी तक हम नहीं करते हैं कि समवन इज गुड एट बिहेवियर, जो बिहेव अच्छा करता है उसको माना जाता है कि जो अच्छा आदमी है ना वो शांत है, वो लड़ाई नहीं करेगा,
वो चुपचाप रहेगा और ज्यादा करियर में भी सफल नहीं होगा। तो बच्चा तो वही फॉर्मूला जो उस पर बचपन से डाला गया है वही उस पर करता है। बच्चा ये क्यों नहीं देख पाता कि इरिस्पेक्टिव दादा दादी ने कुछ किया है नहीं किया है। जैसे महिलाओं को एक बड़ा अपमान का मुद्दा ये लगता है कि अगर वो बाहर नहीं गए तो उनका सम्मान नहीं है, हाउसवाइफ का कोई सम्मान ही नहीं है, इसलिए दिस नीड टू स्टेप आउट। और हो सकता है कि किसी को मन नहीं करता वो काम करने का, पुरुष को उसको भी करना पड़ता, नहीं तो उसका आइडेंटिटी क्राइसिस हो जाता है। तो सम्मान का हमने पैरामीटर डाल दिया है, अननोइंगली कर दिया है। जो भी महेश भाई से बात हो रही थी, वी डोंट नो द कंडीशनिंग्स वी आर ऑपरेटिंग विद, और हमने आसपास समाज में स्थापित कर दिया है। फिर हो सकता है कि कोई मुझसे ज्यादा अगर अच्छा बिहेव, अच्छा किसी ने पैसा कमाया तो, और मुझे जब सम्मान नहीं मिल रहा होता तब आई स्टार्ट कंप्लेनिंग, उसके पहले मैं कंप्लेन नहीं करता। जब दादा दादी आते हैं तब जैसे एक लाइन आई कृतज्ञता, अभी हम देखेंगे तो ये भी नहीं है एसेंस में कि इररिस्पेक्टिव दादा दादी नाना नानी ने कुछ भी किया हो नहीं किया हो, उनके होने से हमारी फैमिली है, भी उनके होने से पापा मम्मी है। और कुछ भी हो, 3 महीने तक बच्चा तो अपना गर्दन भी नहीं उठा पाता, इतना सेंसिटिव होता है छोटा बच्चा, उसको माँ बाप को एक ही चीज देखनी पड़ती है 6-7 साल तक कैसे बड़ा होता है। और तो आई फील कि अनफॉर्चुनेटली ये हो गया है कि हम भी जब बड़े हुए और अपने बच्चे नहीं पाले तब हमारा पेरेंट्स का अप्रिसिएशन नहीं हुआ, जहाँ दादा दादी नहीं बने तब हमारे दादा दादी का अप्रिसिएशन नहीं हुआ, जब पेरेंटिंग नहीं करी तब तक पेरेंटिंग का नहीं हुआ, जब भाई बहन नहीं बने तब तक भाई बहन का नहीं हुआ। तो हम किसी चीज़ पे पहुंचने के बाद ही उसको अप्रिशिएट कर पाते हैं। तो फंडामेंटली जो शिक्षा का काम होना चाहिए, जो पेरेंटिंग से और स्कूलिंग में जाना चाहिए, ह्यूमन बिहेवियर एक बड़ा एस्पेक्ट है। ह्यूमन बिहेवियर को अभी सुविधा के से इक्वेट करके हमने सम्मान को कर दिया है। ह्यूमन बिहेवियर अपने में एक चीज़ है और सम्मान अपने से सिर्फ श्रेष्ठ का नहीं है, सम्मान सबका है। ये एक बहुत पैराडाइम शिफ्ट की डेफिनेशन थी यहाँ पे, जो शिविर में कई बार प्रबोधक सवाल पूछते हैं कि बड़ों का सम्मान तो छोटों का क्या। तो यहाँ पे बात है सम्मान मतलब द एवेल्यूएशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग, और कोई ह्यूमन बीइंग किसने कम ज्यादा किया है नहीं किया है, वो उसमें भी उतनी जीवन क्रियाएं जितनी मुझमें है। और कोई अगर मुझसे शरीर में बड़ा है तो उसने कुछ ना कुछ तो भागीदारी की होगी, बट आई थिंक ये बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ, इसलिए मानव दर्शन में कृतज्ञता से शुरू होता है। बाबा जी भी कह रहे हैं कि पास्ट के लोग या पास्ट की मानव जाति सभ्यता के बिना रहते हुए हम कुछ कर नहीं पाते। तो ये सेल्फ इंडिपेंडेंट सेल्फ मेड वाला कल्चर भी बहुत एक्टिवेट हो गया, हम पेरेंट्स ने भी कह दिया कि देखो मैं सेल्फ मेड हूँ, तो बच्चा भी वेट कर रहा होता है कि कब अपने आप को सेल्फ मेड घोषित करें। पेरेंट्स ने भी कह दिया कि मुझे सपोर्ट नहीं मिला, मैंने सब कुछ किया, तो बच्चों को लगता है कि मैं भी एस्टैब्लिश कर सकूँ। तो आई थिंक व्हाट आई एम सेइंग इज अननोइंगली बहुत सारी चीजें जो हमने कठिनाई से गो थ्रू करके बच्चों को दिए हैं, बच्चे उसको आगे जाके फिर उसी को प्ले आउट करें, तब हमको थोड़ी पीड़ा हो रही है। बट एट द कोर ये है कि ह्यूमन बीइंग का जो वैल्यूएशन है उसका मूल्यांकन है इस वक्त उसके करियर से ही लिंक्ड है। वो करियर ना करे, वो सुविधा नहीं जोड़े, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितनी फैमिलीज में आवश्यकता है नीड है उसको तो करते रहना चाहिए, पर एवेल्यूएशन ऑफ ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी प्योरली दैट। अगर वो फैलता है तो अपने परिवार के सीनियर लोग, और कुछ परिवारों में होता है जब बड़े लोग आते हैं तो बच्चे उनमें फैमिली में वैल्यू सिस्टम है कि बड़े बड़े हैं, यू नो एट द एंड ऑफ इट तो इस परिवार का आगे बढ़ना उनका रोल रहा है उसमें है, तो वो करते हैं। बट आई फील जो अभी वैल्यू सिस्टम्स की रजिया बात कर रहे थे ना, कि एक हम एक नोशन से चलते हैं और एक नोशन जीने में मिलता है, वो दोनों क्लैश करते हैं। तो बच्चा को उस वक्त लगता है कि बड़ों का सम्मान उसी वक्त कर दो जब सामने है, एक्चुअली तो सम्मान उसका होना चाहिए जो उसने लाइफ में कुछ अचीव किया है। तो यही है जो हम जो सोच रहे हैं और जो जी रहे हैं उसमें थोड़ा सा गैप है। आई थिंक ये ठीक होगा तो फिर ये वाला पार्ट भी ठीक हो जाएगा। नमस्कार जी, मैं विनीता कुछ थोड़ा सा बोलना चाह रही थी। हेलो जी, सबको नमस्ते। संध्या जी ने जो प्रश्न पूछा वो बात आ रही थी बड़ों का और बच्चों की, जैसे एक को दिशा देने की, जहाँ तक बात है बड़ों की, तो जैसे सारी बात जो अंकित जी ने बताई वो बिल्कुल मेरे दिमाग में वही घूम रहा था कि आपको ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने शुभ चाहने के लिए ही आपका भला देखते ही सारे परिवार को आगे बढ़ाया, अपनी 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 उनकी जितनी एबिलिटी थी, जितनी उनके पास साधन थे, जो कुछ भी था उसको देखते हुए चले गए। तो वो जो कृतज्ञता का बात करें ना, उसकी तरफ से कृतज्ञता, और जो बच्चे हैं बच्चों तक ये कृतज्ञता का भाव पहुंचे उसके लिए हम जो बीच वाले हैं, बीच में पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट, पेरेंट्स का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वो इस बात को थोड़ा सा समझेंगे तो अब बच्चों तक पहुंचेगा और बच्चे अपने आप बड़ों का सम्मान करने की तरफ जाएंगे। थोड़ा स्ट्रगल रहेगा बीच बीच में, क्योंकि कुछ चीजों को वो शायद बच्चे नहीं समझ करते या स्वीकार करते, लेकिन अल्टीमेटली
वो कहते हैं ना, जो समझता है वो समझा नहीं सकेगा। मैं तो ऐसे ही जी दीदी, बहुत बढ़िया। ये चीज मुझे भी ऐसा ही लगा कि जो है पेरेंट्स का रोल है कि पेरेंट्स को भी वो बच्चे फॉलो तो करते हैं, देखते भी हैं बच्चों को, बच्चे जो है अपने पेरेंट्स को कि वो किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, और ग्रैंड पेरेंट्स को उन्होंने क्योंकि उनके साथ जिया नहीं है प्रॉब्लम, कभी कभी वो ये देखते हैं उन्होंने तो कभी जिया ही नहीं उनके साथ, उन्होंने मतलब कुछ परिवारों में ये देखने को मिल रहा कि जब वो अचानक कभी किसी बीमारी या किसी उसमें ही वो उनके साथ आकर जुड़े जब, तो उन्होंने उनको थोड़ा सा व्यथित अवस्था में ही देखा, और तब उनके साथ दिक्कत आती है। जो लोग साथ में रह रहे हैं, ज्वाइंट में रह रहे हैं, वहां पर तो प्रॉब्लम आ ही नहीं रही है कि वहां पर वो महसूस कर रहे हैं कि जैसा पेरेंट्स भी कितना रिगार्ड कर रहे हैं तो उस हिसाब से बच्चों में भी आ रहा है, और बड़े भी साथ में कंट्रीब्यूशन सबकी आपस में म्यूचुअल भी दिखती है, परंतु जब जहां पर देखा नहीं है वहां पर समस्या आ रही है, तो वहां पर पेरेंट्स का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है साथ में, यही समझ में आ रहा है। आपने जो कहा इसी में एक और निकल आता है कि हिंदी में अच्छा वर्ड है ध्यानाकर्षण, कि किसी का ध्यान कहां डाइवर्ट कर दें। तो आई थिंक लोग करते हैं परिवारों में कि जब दादा दादी या नानी किसी से भी नहीं मिले जब वो, तो उन्होंने लाइफ में उनके उनका जो रहा, उनका जो क्वालिटीज रही, जो किया झेला, जैसे मैं अपनी नानी के साथ नहीं रहा पर मुझे अपनी कम रहा, पर नानी की कहानियां बहुत है कि उन्होंने किस परिस्थितियों में नानी के पोस्टिंग से फैमिली को संभाला, ये किया, और मतलब जो कमिटमेंट रहा फैमिली की तरफ वो तो आप ठीक कह रहे हैं, वो आई थिंक पेरेंट्स का रोल होता है, जैसे विनी आंटी कह रही है जो प्लग इन करने और ये वो करते, तो ध्यानाकर्षण एक अच्छा चीज हो सकता है कि कैसे हम, जैसे मैं भी सोचता था कि मेरा भाई भी अब्रॉड है तो मेरे बच्चे उसको कैसे जाने, तो बहुत नेचुरली हुआ कि हम लोगों ने एक दूसरे को अपने बचपन की कहानियां सुनाना शुरू कर दी बच्चों को, कि कौन तेज था, किसने कब हेल्प करा, तो आई एम श्योर बड़े भी ऐसे करते ही होंगे जी। यहाँ पर जो सम्मान की बात कही संध्या जी आपने, वही पेरेंट्स जो हैं जो बीच में जो आ रहे हैं उनका आई थिंक जैसे बच्चे भी कहीं ना कहीं मतलब जस्ट आई एम जस्ट अज्यूमिंग कि जो बीच में जो कड़ी है अगर वो उनके आचरण से लग रहा है कि वो सम्मान नहीं कर रहे हैं अपने पेरेंट्स का, तब बच्चे वैसे ही लाइक इमिटेट करेंगे। और दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जब हम सम्मान की बात करते हैं तो इनफैक्ट जो रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, क्या ये माना जाए कि हमारी बात मानना या ना मानना ये रिस्पेक्ट का पैरामीटर होगा, या फिर जो है वो प्रेम वो भाव लाइक प्रेम का भाव वो सम्मान मतलब, तो ग्रैंड पेरेंट्स को मतलब किस तरफ मतलब क्या चीज मतलब उनको, मुझे लग रहा है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स और जो ग्रैंड चिल्ड्रन है उसमें मुख्य जो जो भाव है वो प्रेम का है, मतलब बच्चा जितनी भी गलती कर ले छोटा बच्चा, वो ग्रैंड पेरेंट्स के लिए वो गलती गलती नहीं है, वो किसी ना किसी तरीके से वो मतलब उसको ओवरलुक करने की कोशिश करते हैं। तो जी बिल्कुल भैया, बच्चों को ना आजकल ये एटिकेट्स तो बहुत आते होते हैं कि बहुत अच्छे से बात करना तो सब बहुत अच्छे से करते हैं, वो भाव की पे ही बात हो रही है कि भाव टाइम स्पेंड करना बैठना और वो एक शेयरिंग जो दिल से दिल की बात कह रही हूँ मैं, वो आजकल एटिकेट्स से तो कोई कमी नहीं है। और हम जो भैया जिस तरह से अभी बात ही कर रहे थे कि हम वो सब बातें तो सीख गए हैं कि एक बाहरी दुनिया में कैसे जीना है, तो वो फॉर्मल तो सब बहुत अच्छा रहता है पर दिल से दिल की बात कितनी हम कर पाते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पर हमें काम करना है जी। थैंक यू भैया जी, थैंक यू जी। देवव्रत सुनील भैया चार हो चुके हैं, कुछ मिनट रखें क्लोज करें बताइए। आई थिंक भैया कल कंटिन्यू करते हैं फिर आज के लिए। ओके थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक यू। Thank you. Bye. Yeah.